बेंगलोर। परंपरा, संस्कृति, अलग अलग संप्रदायों के अलावा इसकी एक और भी पहचान है, यहाँ का अंडरवर्ल्ड, जो पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुका था। इस काली दुनिया का मैं बेताज बादशाह था। जब से वसूली के धंधे में कदम रखा, मुझे नोटों के हरे रंग के आगे खून का लाल रंग दिखना बंद हो गया। कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा दिया पूरे अंडरवर्ल्ड के लिए। मैं भगवान था, शंकर दादा। लोगों के दिलों में मेरा खौफ था और मेरे दिल में बार डांसर मंदाकिनी की तस्वीर। हमारी शादी हुई और एक बेटा भी। लगातार आगे बढ़ते रहने के नशे ने वक्त का पता ही नहीं चलने दिया। उस वक्त अगर कोई मुझे छू सकता था तो वो मैं खुद था। लेकिन एक दिन इस्माइल। अरे अब ये इस्माइल कौन है? बुलाओ उसको भाई। तुम जानते हो इस्माइल कौन है? नजदीक आइए, कंधे पे हाथ रखिए। इस्माइल का मतलब मुस्कुराना होता है। ये ले बत्ती से। गुंडों का ना यही हश्र होता है। आज तक न जाने कितने बेकसूरों को मारा था इसने। उन परिवारों की हाय लगी होगी इसे, इसलिए आज अधमरा पड़ा है। जी, न जाने मैंने कौन से पाप किए थे। 15 सालों से आफत बनके एक ही खटिए पे पड़ा हुआ है। न मरता है न मुझे छुटकारा मिलता है। बूढ़ा हो गएगा। जब मैं कोमा से बाहर निकला, 15 साल गुजर चुके थे और इस बीच मंदाकिनी भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। लोग दिल से नहीं बल्कि डर की वजह से मेरी इज्जत करते थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि अंडरवर्ल्ड की मनहूस परछाई अपने घर में कभी नहीं पड़ने दूंगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन मंदाकिनी का कत्ल करने वाले इस्माइल को मारने के बाद मेरा बेटा वीरू भी बहुत था। आप पूछेंगे कैसे, तो आप खुद ही देख लीजिए। जय हो महाकाल, जय हो मेरे काले पति की। ले टीका लगा, टोपा भी पहना। मॉर्निंग पापा। जुग जुग बेटा, चलता हूँ पापा। हाय पापा। हाय बेटा। हाय दद्दू। ओहो मेरा पोता। अरे साला, ये क्या पहन रखा है? स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस। क्या इसी दिन के लिए तेरे को गोल्ड माइन की एक्शन फिल्म में दिखा के बड़ा किया है? इसके लिए किसका हाथ है इसके पीछे, बता मेरे को। बुढ़ाऊ ने मेरे को पहले से ही शक था। ये तुम्हारा इच कांड है ना? हिम्मत कैसे हुई पढ़ा लिखा के इसे बर्बाद करने की? कान खोल के सुन लो, ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तुम्हारे और मेरे जैसे गुंडागर्दी नहीं करेगा। तुम नहीं चाहती ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, समाज में अपने और अपने परिवार के लिए कुछ इज्जत कमाए, अपने पैरों पर खड़ा होकर इज्जत की रोटी खाए। बुढ़ाओ प्रवचन बनकर, इसके एक फोन कॉल पे सारे पढ़े लिखे आगे पीछे नाचेंगे इसके। इसको मैं तेरे से भी बड़ा डान बनाएगी देखना। मैं तो चाहती थी इन फोटो के साथ तेरा भी हार चढ़ा फोटो हो, ये तेरी पूजा करे, लेकिन तू तो लुढ़क ही नहीं रहा। रे 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 पुष्पा, ये दादागिरी गुंडागिरी तुम्हारे पति के साथ खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ मेरे परिवार में किसी और के साथ हो। जग्गू हर हाल में स्कूल जाएगा और पढ़ेगा लिखेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। हटो रास्ते से। अरे ससुरे, कुछ नहीं सुनना मुझे। बाय जग्गू, स्कूल जाओ। माँ आप रो मत, दद्दू चाहते है कि मैं स्कूल जाऊँ और आप चाहते है कि मैं सबसे बड़ा डॉन बनूं। मैं दोनों की ख्वाहिश पूरी करूंगा। बच्चों, क्या किसी ने सोचा है कि बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है? सब लोग एक एक करके बताओ। पहले तुम बताओ। डॉक्टर बनूंगा सर। और तुम? डॉक्टर बनूंगा सर, नहीं नहीं साइंटिस्ट बनूंगा सर। जग्गू तुम बताओ। जय गब्बर सिंह। जय गब्बर सिंह, मैं सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता हूँ। जग्गू आखिरकार वही बना जो उसकी माँ उसे बनाना चाहती थी। मेरे अड्डे पर रेड मारने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? अरे धंधे का एपीसीडी मैंने सिखाया तेरे को, मिनिस्टर बन गया तो मेरे ही सिर पे नाचेगा? इस धंधे में कुछ भी परमानेंट नहीं, कभी कभी चेला गुरु बन जाता है।
बैंगलोर छोड़ दो। इस पूरे बैंगलोर पर मेरा ही राज चलता है, समझा क्या? जब तेरा बाप डॉन था तो बैंगलोर इतना सा था, अब बैंगलोर फैल चुका है। वक्त वक्त की बात होती है। कल तुम इस कुर्सी पर बैठे थे, आज मैं इस कुर्सी पर हूँ। अब तुम खुद ही देख लो। कल तक मैं एक छोटा मोटा चोर था, राउडी था, और अब इस देश का चोर बन गया हूँ, मंत्री बन गया हूँ मैं। मंत्री होके सड़क जा गुंडों की तरह हफ्ता वसूली कर रहा है? छी 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 छी। अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए करता हूँ। वो आज ही रशिया से लौट रहा है। क्या करूँ, मजबूरी है, पुश्तैनी धंधा है, छोड़ने का मन नहीं करता। बुढ़ाओ कौन है? डॉन है ये, बैंगलोर का डॉन। पापा ने जिस तरह से इंट्रो दिया था, मुझे लगा कि 50 बड़ी बड़ी गाड़ी और 100 पर्सनल गार्ड्स के साथ एक लंबा चौड़ा खतरनाक आदमी होगा, लेकिन ये चिरकुट तो साला किसी कार्टून चैनल का जोकर लगता है। औकात में रह के बात कर, पता है तू किससे बात कर रहा है? दादा, वीरू दादा। शहर का दादा कम, ये पोतों का दादा ज्यादा लगता साथ है। में भाड़े के टट्टू लेकर घूमने से और मुंह में फॉरेन की बीड़ी रखने से कोई डॉन नहीं बन जाता। मैं तेरी दादागिरी पर थूकता हूँ। तेरे बाप जैसे 10 मिनिस्टर जेब में लेके घूमता हूँ मैं। शाना बन रहा है क्या? तो आया अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा अपुन की मर्जी से। आज से बैंगलोर का डॉन कौन? क्रिश। कौन? क्रिश। वंस मोर क्रिश। आपको क्या लगता है? क्रिश। तो फाइनल, आज से दादागिरी छोड़ने का और अपने परपोतों के लिए एकदम छकास चूलाघर खोलने का। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चली ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा वो। बेटा बुलाओ। कौन बेटा बे? एंट्री सॉलिड थी रे, पर तू है ना गलत एड्रेस पे दरवाजा खटखटाया। जो जगह जग्गू की खोपड़ी को भा जाती है, वही जग्गू का एड्रेस बन जाता है वे। कहीं और जाके अपनी खटिया बिछा। अबे मेरी खटिया बिछाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, तुझे तो मैं यही पर गाड़ दूंगा। ए चमन चिंदी, तू क्या कब्रिस्तान का ठेकेदार है? जब यहाँ से हवा गुजरती है ना, तो वो भी अपन को सलाम ठोक के गुजरती है लुखे, और तू मुझे ठोकेगा? मुर्गे के सर पर ताज हुआ तो क्या हुआ, हलाल तो वही चोता है। असली ताज तो राजा के सर पे ही शोभा देता है। चल सॉरी बोल। अगर नहीं बोला तो क्या कर लेगा? आया तो तू खुद चल के भेजूंगा एम्बुलेंस में। अबे तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है साले। Oh!
तेरी गोलियों के धमाके जग्गू के लिए दिवाली के पटाखे हैं। जग्गू दहाड़ भी दे तो तेरी आने वाली सात पुश्तें बहरी पैदा होंगी। मंत्री जी, का है तो हर फैसला? मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। शाबाश, पैसा और सत्ता तुम्हें मुबारक भाई। चल पहना। माफ कर देना, अब से आपके धंधे में क्या आपके बेटे के धंधे में भी दखल नहीं दूंगा। चलो बेटा, घर जाके मनम पट्टी लगाएंगे। पहले मेरी करना होगी। वेल डन बेटा जग्गू, आज के बाद तेरा नाम होगा जग्गू दादा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, अपनी चैरिटी के स्कूल की जगह मुझे दे दो। बाजू में जो मेरी जमीन है उसे मिलाकर एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। ये अनाथ बच्चों के स्कूल की जमीन है, तुम्हें पाप लगेगा। पढ़ लिख कर कौन से झंडे गाड़ लेंगे वो? क्या बनेंगे? वकील बनेंगे, इंजीनियर्स, पुलिस वाला। ये देखो, ये तीनों ही मेरे इशारों पर नाचते हैं, मुझे बॉस मानते हैं ये। पढ़ लिख के सिर्फ कोई वकील, इंजीनियर या पुलिस वाला नहीं बनता, तुम जैसे पॉलिटिशियंस को सुधारने वाला स्टूडेंट भी ऐसे ही स्कूल से पढ़ के निकलता है। स्टूडेंट? कोई एक तो दिखाओ। जग्गू। प्रेजेंट सर। जग्गू, ये करोड़ों का मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा। जग्गू के नाम के वजन से ही सोने का स्टॉक मार्केट गिर जाता है, इसलिए करोड़ों का मैटर ही इसे सूट करता है। सोडा बोतल खोलने पर जैसे सोडा में से झाग निकलता है ना, वैसे जग्गू को देखते ही लोगों का फव्वारा निकल जाता है। समझ गया, समझ गया। ए मिनिस्टर, अगर बाएं हाथ से धोना और खाना नहीं है तो अपनी जमीन भी स्कूल ट्रस्ट के नाम कर दे, समझा? ठीक है, कर दूंगा। उंगली छोड़ दो, प्लीज, टूट जाएगी। मास्टर जी, हैप्पी टीचर्स डे। जय गब्बर सिंह, जय मगैम्बो, जय फूलन देवी, जय शकाल। ए सुनो रे, आज तुम जैसे फंटर लोगों की वजह से अपुन का बेटा जग्गू दादा बन गेला है। आज अपुन के बेटे की डॉन अभिषेक की खुशी में ये सारे लड्डू ले जाकर चिल्लर गुंडों में बांट दो और थोड़े पढ़े लिखे गुंडों में मटन काट काट के बांटो। दोनों कमसिन कलिया मिलकर बकरे को हलाल कायको कर रही है। अपुन का बेटा दहशत फैलाने लायक जो हो गया है, ले 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 ले, डॉन बनने का आशीर्वाद ले ले, तेरी नजर लग जाए सबको, तेरे को इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनने का है, इतना बड़ा कि कोई अब तक नहीं बना हो, ये जितनी भी फोटो टंगे ना यहाँ पर उनसे भी बड़ा, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं इंटरनेशनल डॉन। अरे तू समझ गया ना, इतना ही काफी है। जरूर बनेगा मम्मी जी, मेरे जग्गू में क्या कमी है। नजर बटू। हाँ मजनू। हाँ अच्छा, आ रहे ला माँ, अपन काम सलटा के अभी आता है। ओके। नजर ना लगे। घुटना ब्लेसिंग। ए सुन रे चंपा, आज न तू इसके डॉन बनने की खुशी में हिल हिल के मस्त नाचना। मम्मी जी, हाँ, जग्गू के डॉन बनने की खुशी में मैं आज डांस फ्लोर पे आग लगा दूंगी। अब उनके जमाने में मेरे एक एक ठुमके पे 100 का कड़क नोट आता था, जा आज तू भी जा ठुमके लगा के 2,000 के नोट कमा के ला। पुष्पा। टीवी कहिए ना ससुर जी, क्या ख्वाब देख रही हो? जानते हो तुम, ये बार में डांस करने वाली लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। काहे नहीं बन सकती बोलिए?
पहले इस घर में दो दो बार डांसर हैं और अगर ये भी आ गई इस घर को डांस बार बनाकर मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इस कॉक से जनायस है, याद रखना तुम्हारे मरने से पहले उसे इंटरनेशनल डांस बना के रहूंगी। अगर अपने बेटे की जिंदगी संवारनी है और इस घर को स्वर्ग बनाना है तो किसी सुशील संस्कारी लड़की को ही इस घर की बहू बनाना होगा। ए, चुप कर बुड़बक, लकी ड्रा मैंने निकाल लिया है। चंपा इस घर की बहू बनेगी। चंपा के लिए जग्गू, जग्गू के लिए चंपा, मेरे बचपन में मैंने सोच लिया था। बहू, इस घर का मुखिया मैं हूँ, क्या मेरी बात की कोई इज्जत नहीं यहाँ पर? ये वीरू कहाँ गया? वीरू, तुम माँ नहीं माँ के नाम पर आज ही वसीयत लाओ। बाबा, दद्दू काय को लेटेला है? एंजियोप्लास्टी हुई है, इन्हें हार्ट अटैक आया था। दद्दू, दद्दू, चल बाहर वेट करते हैं। कितना लेटेगा? मां कसम हार्ट अटैक तेरे को आया, हार्ट बीट अपन की रुक गई। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या बात कर रहा है दद्दू, 75 की उम्र में तू नोबॉल पे रनआउट होना चाहता है? सेंचुरी मारकर ऊपर जाने का ना बिड़ू। 100 साल ही क्यों बेटा, मैं 1000 साल जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इज्जत और गर्व के साथ। तू जो बोलेगा वैसे ही छोएगा, अंडरवर्ल्ड का किंग तेरे सामने खड़ेला है। सबकी फटती है अपन से, चड्डी गीली हो जाती है, तेरे पोते ने बहुत झंडे गाड़े हैं। मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, जिस दिन लोग डर के बजाय दिल से तुम्हारी इज्जत करेंगे उस दिन समझ लेना कि तुमने कोई बड़ा काम किया है। मुझसे एक वादा करो। बुलंद आवाज में बोलता तू। इस अंडरवर्ल्ड को छोड़ दो और एक नेक संस्कारी लड़की से शादी कर लो। दद्दू, तेरा मतलब कहीं चिकनी चंपा से तो नहीं? चंपा का नाम मत। उछल मत, सलाइन निकल जाएगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल को तुम्हारी औलाद ऐसे रास्ते पर ना चले, इसलिए तुम ऐसी गलती मत करना बेटा। बोले तो किसी इज्जतदार परिवार की लड़की जो सुंदर हो, साथ ही नेक और सुशील हो, शांत और पवित्र हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाना, तब जाकर ही हमारे खानदान के माथे से यह कलंक हटेगा बेटा। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो एक इज्जत की जिंदगी जिए, यह मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। वादा करो किसी नेक लड़की से ही शादी करोगे, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। वचन दो, मुझे वचन दो बेटा, चुकू वचन दो। दद्दू, दद्दू, दिन बाद चुप साले हट्टू, हट्टू। ये गैस के गुब्बारे, तेरी हवा क्यों निकली रे? भूत को देख के डर गया। अबे भूतनी के भूत की फिल्म है, भूत ही दिखेगा ना। साले तेरा फिगर बड़ा है, जिगर नहीं। नेक्स्ट टाइम कम विद मम्मी, ओके? जाने दो ना जग्गू, बेचारा फट्टू है। बेबी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अबे मजनू, अपुन ने अपने फील्ड में कितनों को टपका है? करेक्ट। सारे मुर्दे भूत प्रेत बनकर अपुन से बदला लेने आए क्या? अबे पर्दा फाड़कर कौन सा भूत निकलेगा? देख देख जग्गू। संस्कारी लड़की।
नहीं। अरे क्या ओरिजिनलिटी है, अरे बेचारे पीछे वालों को भूत नहीं दिख रहा। आया था बड़ा मुझे बोलने, हो गए ना पतलून गीली। अबे गेंडे, मैंने तुमसे कहा तेरा भूत भूत सुनकर अपन को भूत दिखाई देने लगे। जाने दे रहा जग्गू, झगड़े में पिक्चर का क्लाइमैक्स मिस हो जाएगा। लेकिन सच्ची सच्ची बोल, तू चिल्लाया काय को? मजनू, दद्दू स्क्रीन फाड़ कर बाहर आए, यहाँ से वहाँ तक रैंप वॉक किया, फिर वहाँ तक टहलने गए, फिर स्क्रीन में घुस गए। दद्दू थिएटर में हाँ रैंप वॉक कर रहे थे? हाँ भिड़ू। जग्गू ऐसा नहीं होता। देख दद्दू अभी अभी ऑफ हुए है ना, लेकिन तेरे दिमाग में अभी भी ऑन है ना, इसीलिए तेरे को उनका भूत नजर आ रहा है। तू सच बोल रहे है? जानता है जब मेरा बापू ऑफ हुआ था ना, तो मेरे को भी वो चारों तरफ नजर आता था। खुद ही मैं जरा डर निकाल के आता हूँ। बाथरूम में भूत नजर नहीं आते? ये तद्दू है या उसका भूत या फिर अपना वहम? साला मन करता है कि अपना सर फोड़ दो। कोई मजबूत दीवार ढूंढ लो, दोनों साथ में सर फोड़ेंगे। ने मुझसे वादा किया था कि एक सुशील संस्कारी लड़की से शादी करोगे। सीसीटीवी बन के एक महीने से आगे पीछे घूम रहा हूँ और अभी भी तुम उस चमक छलो चंपा के साथ घूम रहे हो। ए देड़ शाने, ये बता तो कौन से ग्रुप का आदमी है जो मास्क पहन के आया है? काय को दांत फाड़ रहे ले रे? मरे हुए को कोई मार सकता है? अबे टीपी मत कर, ठोक डालूंगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा दादा ही हूँ। बेटा मेरा शरीर मर चुका है, लेकिन मेरी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। जब तक तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही परेशान करता रहूंगा। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ तू ही मुझे देख पाएगा और मेरी आवाज सिर्फ तू ही सुन पाएगा। हाँ। ए जग्गू, क्या हुआ? कौन है? कौन तेरे पे अटैक किया? ठोक दूंगा साले को। चले सामने आ, कौन था वो? दद्दू। दद्दू गैंग का आदमी, साले बाहर निकल तेरे। अब उनका दद्दू था रे। फिर से दद्दू, यहाँ भी दिख गए क्या? अभी तो थिएटर में तेरे को ऑफ और ऑन का ज्ञान दिया था अपन ने। अबे तेरे को मैं येड़ा लगता हूँ? सच बोले तो मेरे को ये पक्या गैंग का साजिश लगता है। मैं तो बोलता हूँ उनसे मांडवली कर लेते हैं। दद्दू चाहता है कि आप उन संस्कारी लड़की के साथ सुहागरात मनाए। सट केला। फिर से दद्दू की रट। ए बुलबुल, वर्मा किधर है? अभी तक आए नहीं। अभी तक आया नहीं, चल वेट करते हैं। जग्गू ज्यादा ढील दे रखी है तूने इसको, कलेक्शन के लिए अपन को ही आना पड़ता है। जग्गू इतनी बार बुलाने पर भी वो पैसे देने आया नहीं, आज आएगा तो उसकी केस लेना। तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ के अपने फेफड़े चला, हम उठा के लाते हैं उसको। चलो रे। ये तू ओरिजिनल है क्या? हाँ भैया, मैं ही हूँ। ऊपर कोई बार डांसर मिली नहीं जो वापस आ गया? जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये वसूली का धंधा छोड़ दे और लड़की को ढूंढने पर फोकस कर। किसी संस्कारी लड़की के साथ साथ फेरे ले ले बेटा। मर के भी दादागिरी नहीं छूटी। जग्गू भाई, इस बार 500 के नहीं 2000 के नोट हैं। सारे अपने पास। क्या कर रहा है? 500 के नोट बंद हो चुके हैं। मेरा दद्दू आया था गेस्ट अपीयरेंस देने। दद्दू यहाँ भी आए थे? टेंशन मत ले, हम 2000 के नोट लाएंगे। ए सुन, भाई को डांस बार लेके जा, मिला दो। जैसे कि आप देख रहे हैं पिच एकदम। हाँ सुन, आज मैच चल रहा है इसलिए वसूली करने जाना भूलना मत, समझा? और ये पक्या गैंग का बहुत नाटक चल रहा है, नजर रखना पड़ेगा उनपे। अरे छक्का मारा देख। यस। हाँ सुन, अश्विन पे मेरी 3 पेटी लगा दे, आज पक्का 5 विकेट चिटकाएगा वो। जग्गू आज बैटिंग का मूड नहीं है, चल निकल। मैं हूँ तेरा दद्दू। तेरे को सामने कौन दिख रहा है? कौन मतलब? दादा है। दिखा ना, अब मेरी बात पे यकीन हुआ ना? अरे इसमें यकीन होने वाली कौन सी बात है, सामने दिख रहा है ना दादा, कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री दे रहा है? तू किस दादा की बात कर रहा है? बंगाल टाइगर सौरव दादा। सौरव दादा नहीं, अपने शंकर दादा की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को सामने दिखाई दे रहा है वो। क्या दद्दू? वो देख, वो देख, वो देख, टेबल के ऊपर योगा कर रहे हैं। टेबल के ऊपर? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, जब से जग्गू दादा के दद्दू गए ये तो सटक ही गए।
भाई गिरी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर आंखों का इलाज कराओ। अंधे कहीं के। चलो दद्दू को ढूंढते हैं। कहाँ है दद्दू? कोई भी चल इधर ही होंगे। अबे टेबल के नीचे देख, कोई नहीं है। होंगे तो दिखेंगे ना। भाई का दिमाग चटक गया, बोल रहा हूँ चक्कर। अरे कहाँ? यहाँ भेजा फ्राई हो गया तेरे को मस्तिष्क। क्या हो रहा है ये? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? अगर सच में कोई भूत भूत निकला तो मम्मी। मैं हूँ बुद्धू, तुम्हारा दद्दू। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। एक संस्कारी लड़की से शादी करो। जगू, तुम्हारे प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक चाइनीज तांत्रिक इंपोर्ट किया है। तांत्रिक कहाँ है वो नमूना? किसी भी ब्रांड का भूत हो, आईएसआई मार्क वाला या उल्लासनगर का डुप्लीकेट भूत हो, ये बिच्छू उसे पकड़ के ही रहेगा। ये रहा वो सैंपल। ये खजवा तो चाइनीज माल है, नहीं चलेगा। ये ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं है जग्गू, इसने भूतों की साइकोलॉजी में पीएचडी की है। जिस घर में बिच्छू के कदम पड़ते हैं गुंजाऊं बल्ले बल्ले चाओ चाओ, उस घर से भूत पिशाच दुम दबा के भागता है। राम से ब्रदर्स भी अपनी रिसर्च के लिए इन्हीं के पास आते हैं। कहाँ है वो चूहा? मैं उसे पकड़ के मरोड़ देता हूँ। बाबा, भाई को परेशान करने वाला भूत उनके ही दद्दू का है। ऐसा जाही दो प्रॉब्लम, बाहर हो या आउटसाइड का, मैं सब मस्त में कर लूँगा। मुझे पकड़ेगा भूत आई, हम पकड़े यही दद्दू। किधर है दद्दू? किधर? उधर देख, उठे उधर आई चूहा, तू नहीं बचेगा। तुझे पकड़ कर भूतों के बीच छोड़ दूंगा। आया अंदर आया। अरे दद्दू, अरे दद्दू, अरे अरे दद्दू, मेरे दोस्तों को क्यों लटकाया? अरे ये सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्तों ने नीचे उतारा दद्दू। अरे क्या कर रहा है दद्दू? अरे चाइना माल को छोड़ दिया दद्दू। अरे उतार, सबको नीचे उतार दद्दू, प्लीज। अरे दद्दू, मेरे फ्रेंड्स को भगा दिया। अरे इसे क्यों? इस चाइनीज चिरकुट को ऊपर क्यों बिठाया? हम नहीं आता, हम सायनारा था। ये दद्दू, सायनारा। मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं मानूंगा। वो अब देख तमाशा। मर गया। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई जब, अरे बैकग्राउंड, अरे मैं मिक्सी की तरह घूम रहा हूँ। अरे जग्गू, ऑन स्विच ऑफ करने को। नकली भूत का नाम लेकर मुझे असली भूत पकड़वाने ले आए। हाँ, चाइना भागूंगा। थैंक यू। वेरी गुड। ये क्या कर रहे हो? मैं बस करो, बस करो, चाइना जाता हूँ। जाने दो। बाय बाय। तेरा गला सूख रहा है। अरे दद्दू, मम्मी आती है। मुझे उठना भी नहीं आता। अरे छोड़ दो मुझे। मानोगे मेरी बात? बकरा कटने के लिए तैयार है। दद्दू, ग्रैंडपा,
चलो रे आजा आजा। दद्दू चले गए हैं। आजा रे सूजी हुई टिक्की लेके बैठ जा। जग्गू आज कंफर्म हो गया है कि दद्दू सही में है। बालक समझ चुके हैं, कब से मैं समझा रहा था तुम्हें लगा मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। थोड़ा भी डाउट बाकी हो तो बुढ़ाओ को वापस बुला लेता हूँ। माफ कर दे भाई, जितनी जल्दी हो सके किसी संस्कारी लड़की से। संस्कार वाली लड़की? ये मूली कौन से खेत में उगती है बे? बाजू के मंडी में ढूंढ। ठेले वाली नहीं मॉल वाली चाहिए। तुम भी तो भाजी पाले जैसी बातें कर रहे हो। देख अपन जिन सेठ लोगों को गन दिखा के वसूली करते हैं ना, वो सब तो संस्कारी और खानदानी लोग हैं। अगर उनकी कनपट्टी पे घोड़ा रखकर बेटी मांगेंगे तो वो खाक बना कर पाएंगे। ए अपन की खोपड़ी में एक धासु आइडिया आया है। शहर में जिस घर में संस्कारी लड़की कुंवारी बैठी ली है उससे मेहंदी लगवा लेता हूँ। ये गुंडा यहाँ क्यों आया? ए वर्मा इधर। जग्गू भाई, जग्गू भाई नमस्कार। जग्गू भाई सॉरी, जग्गू भाई आप मेरे लिए दादा नहीं अन्नदाता हैं। आपको देखते ही दिल भजन कीर्तन करने लगता है। इस बार आपको पैसे नहीं चाहिए। क्या का? इस बार आपको फ्लैट चाहिए, करेक्ट? वर्मा तेरे इस फ्लैट से अपन फ्लैट नहीं होने वाला है। मैटर कुछ और ही है। सुन तो लीजिए जग्गू भाई, यहाँ टॉप फ्लोर पे बढ़िया पेंट हाउस बन रहा है जहाँ से पूरा बैंगलोर देखता है। ए वर्मा, पूरे बैंगलोर में ऑलरेडी जग्गू दादा टॉप पोजीशन पर हैं। उसके लिए तेरे इस टॉप फ्लोर के सड़ेली खोली की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं जग्गू भाई, सचमुच पेंट हाउस नहीं चाहिए? सिर्फ पेंट हाउस लेकर क्या होने वाला है? मतलब घर वाली भी तो चाहिए ना। दादा शादी करना चाहते हैं? ये इशारा बस कर दे। ऐसे नेक दिल इंसान के लिए लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। ऐसा भगवान जैसा दामाद पाने के लिए कई जन्मों का पुण्य चाहिए। मतलब जिसका पुण्य का घड़ा भरने वाला। करेक्ट। ए वर्मा तूने भी लाइफ में बहुत पुण्य कमाया ना। आज से तू ही चपून का ससुर इन लॉ है। तेरी बेटी को वाइफ बनाकर उसकी लाइफ सेट कर दूंगा। तो जैसे दुष्ट पापी से शादी कराने से अच्छा बेटी को दफन कर दूं। मुझे ऐसा नीच दामाद नहीं चाहिए, उससे अच्छा होगा मैं अपनी ही जान दे दूं। ए भगवान मारे 15 शुरू मोड़ खुलवा दीजो। अरे जग्गू दादा आवो आवो, मारे शोरूम के सारे 16 से ज्यादा कीमती आप लोग दर्शन मिलना है। से इतना ओवर एक्टिंग काहे के लिए कर रहा है? उधर देख, लग रहा ना भाई अपना एकदम झकास दूल्हे के माफिक। मैं भी सोचूं आज जग्गू के मुखमंडल पर अलग ही चमक क्यों दिख रही है। हो ना हो ये शादी करा वाले हैं। दादा शादी में दुल्हन जो मंगलसूत्र पहनेगी वो हमारे शोरूम की तरफ से गिफ्ट होगा। हाँ पर मंगलसूत्र पहनने के लिए एक दुल्हन भी तो चाहिए ना। काई बोल रहा है, इसे नेक पति पाने के लिए बहुत ही किस्मत वाली लड़की चाहिए। मतलब तुम्हारी बेटी एकदम किस्मत वाली है। काई बोलियो, एक सड़क छाप गुंडे से आगे मारी बेटी की शादी करवा दू, ये सात जन्म अभी कोनी हो सके है। फिर सोच ले। सवाल ही कोनी उठे है, ये कुत्ते रे पल्ले सु बांधे सु अच्छा है आपरी बेटी को नरक में झोंक दूं। मार बने होल्ड ऑन। ए सुखी लाला, तू लड़की नहीं देगा तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थारी फूलवती को थारे पास रख, मरने रिश्ता मंजूर नहीं। चलो रे जग्गू। ये नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है रे? वो टाइट श्यामलाल का घर है, 50 घर घूम चुके हैं। यहाँ पर तो मामला सेट होना ही चाहिए। ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम विष्णु पत्नये नमः। आजकल बारो मास टल्ली रहते हैं। इतनी संस्कारी है कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में तो क्या नजरें मिलाकर भी बात नहीं करती है। माँ पूजा में टाइम वेस्ट मत करो और पापा को पीने से रोको, कर्ज लेके पीते हैं, रात को बार या नाले से उठा के लाना पड़ता है। अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी हो गई ना जग्गू, तो इस जन्म में ही नहीं अगले 3 जन्मों तक दद्दू से मुक्ति पक्का। ऐसा क्या? 100%। तो चल चलो। मुझे दारू पीने से तेरी बेटी तो क्या? लो सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। दारू पीने के लिए मुझे तेरी परमिशन और पैसों की जरूरत नहीं है। सुन ले, कोई उधार नहीं देगा तो मैं ये घर बेच के पीऊंगा। भगवान इसको गुंगा बहरा बना दो, मैं आपको 2000 का नोट चढ़ाऊंगी। इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। ओ दादा, जग्गू दादा वेलकम। क्यों रे श्यामलाल, कैसा है तेरा हाल मेरे लाल? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, भिखारी बन के रह गया। ऐसा हाथों का मैल होता है, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्या होना। अब तो तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होगी। पैसों की बरसात? मगर पैसों की बरसात के लिए मुझे आखिर क्या करना होगा? ए बेवड़े, तेरे को एक ही चीज चाहिए और वो है दारू।
और जग्गू दादा के लिए जरूरी है खानदानी लड़की से शादी करना। ऐसा गोल्डन चांस कौन खोना चाहेगा? वाओ, टाटा बिरला भी लाइन में लग जाएगा। जग्गू दादा को अपनी लड़की देना गंगा नहाने जैसा पवित्र काम है। बेटी की किस्मत सवार नहीं है ना? तो समझ ले उसकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। तुम चाहते हो मेरी बेटी का रिश्ता जग्गू से हो जाए? दारू मैंने भी है, इसने भी है, या तुम सब पी गए? एक स्मॉल पैक मार गया है। मुझे इतनी नहीं चाहिए कि अपनी बेटी को नरक में डाल दूं। दारू के लिए मैं खुद को घर को बेच सकता हूँ, पर बेटी को नहीं। चाहे वो जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन इस नीच कुल की बहू नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद शराब बंद। इतनी इंग्लिश आती है या हिंदी में समझाऊं? फूट साले! ब्यूटी! खुद जाते हो या धक्के दे के निकालो? निकल जा अभी साले! आज तक अपन को लगता था कि लोग अपनी दिल से इज्जत करते हैं, ना कि डर से। व्हाइट का करोड़ों रुपया है, फिर भी कौड़ी की इज्जत नहीं। गुंडागर्दी करके वसूली करने गया तो पैसों ने भी अपने कदम चूम लिए, लेकिन जब इज्जत से बेटी मांगी तो अब उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया। जग्गू, अब समझे बेटा, कोई भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता है। प्रवचन देने टपक पड़ा तू? मेरी सजा से यू टेकिंग मजा? अबे तेरे संस्कार की मोमबत्ती ने मेरे संसार में आग लगा दी। बाल डांसर की जो खानदानी परंपरा चलती आ रही है ना, अपन कायम रखेगा। संस्कारी लड़की अपन को किस टाइप की एक्स्ट्रा खुशी देगी, अपन को समझ में नहीं आ रहा है। इस सवाल का जवाब तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा बेटा। 10 साल में क्या उखड़ने वाला है दद्दू? जब तुम्हारी शादी किसी खानदानी लड़की से होगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ ये होने नहीं देगी। अरे तू इसको मंत्र देना यार। अरे वाह, ये भी मैं बताऊं? तुम ही कोई तरकीब सोचो। दद्दू कहाँ उड़ गया? क्या नया बम फोड़ के गए? वही सुतली बम। घोड़ी चढ़ जा, शादी कर ले। क्या जग्गू, हमने बड़े से बड़ा मैटर चुटकियों में सॉल्व किया है, पर तेरी शादी का मैटर गले की हड्डी की तरह अटक गया है। ऊपर से तेरा दद्दू इलेक्शन के पैम्फलेट की तरह हर न्यूज़पेपर में आ जाता है। अपन के दिमाग में एक आइडिया पकड़ा है। तो जल्दी से उबाल डाल। अपन सब लोग दूसरे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। लेकिन जग्गू तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। मुंबई में अपना दोस्त वेंकी है ना, वो मदद करेगा अपनी। बराबर है, आइडिया तो अच्छा है, पर आपकी माँ से क्या बोलेंगे? वही जो उनको सुनना है। इंटरनेशनल डॉन बनने की ट्रेनिंग के लिए हम लोग मुंबई जा रहे हैं। हाँ, सही है ना? सॉलिड आइडिया। चल चल वेंकी को फोन कर। कैसा लगा परफॉर्मेंस, सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स? सर अच्छा था। अरे यार क्लैरिटी में बोलना। सर फाड़ू था। जो आ रहा है ना वो सुपरस्टार है, मेरा जिगरी दोस्त है, उसका वेलकम द लाइव स्टाइल में करने का, तो कुछ ढिंचाक बजाना। स्टॉप। बजाओ रे। वेलकम भाई, वेलकम। मजनू कैसा? कैसा है वेंकी? प्रोड्यूसर का पैसा काहे को फूंक रहा है? ये मेरा स्टाइल है वेलकम करने का। पहले चलकर होटल दिखाता हूं। हां चल ना। ये मेरा ही होटल है। होटल बहुत ही रापचिक बनाया है वीडू। इससे मैंने एक राजमहल जैसा बनाया है, बस इसमें तेरे जैसे राजा की कमी थी। मैनेजर स्वीट रूम का पूरा फ्लोर रिजर्व कर दो, वहां पे मेरा भाई और उनके दोस्त रहेंगे। सर क्या ये? कॉफी सर। कॉफी? भाई का इंसल्ट कर रहा है तू, जा स्कॉच लेके आ। सॉरी सर। ठीक है। ये वेंकी काय को झापड़ मारा? नहीं भाई,
एंट्री मारते ही दो पैग और एक सुट्टा मारना चाहिए, यही तो माफिया स्टाइल है। ये गधे लोग कुछ नहीं समझते, इन सालों को ठोक देना चाहिए। सुन, दादागिरी की दुकान पर मैंने ताला लगा दिया है। भाई ये बात खोपड़ी में घुस नहीं रही है। आज से हम अव्वल नंबर के गुंडे नहीं, शरीफ खानदान के चिराग हैं, मिस्टर जयदेव। क्या बात है, तुमने तो स्टाइल भी बदल लिया। अरे बैंगलोर में तो पुलिस से बचने के लिए भाई हर पांच दिन में स्टाइल बदलते थे। स्टाइल बदला और टपोरी लैंग्वेज खत्म। भाई गेटअप चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, नाम भी चेंज कर लिया, बस थोड़ा क्लैरिटी रखो। अच्छा मैं जग्गू दादा कहूँ या जयदेव कहूँ? तुम्हारे लिए ये जग्गू दादा रहेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए जयदेव। अब बात खोपड़ी में घुसी, इतने सारे चेंजेस किस लिए? कोई डील करने आया हो क्या? सही समझे मित्र। कैसी डील? हाँ सुशील संस्कारी लड़की से गठबंधन। ओहो ये बात है, तो ये दद्दू की आखिरी ख्वाहिश थी, मरते मरते अच्छी तरह फंसा गए तुम्हें। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, वेंकी है ना? ठीक है जग्गू, तुझसे शादी करने नहीं है। जग्गू भाई तुम हाँ तो बोलो, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। अबे वेंकी अपन सुलभ शौचालय नहीं चालू कर रहे, अच्छे खानदान की संस्कारी हरी भरी पौष्टिक लड़की चाहिए बस। ऐसी लड़की मिलेगी भाई, एक ऐसी लड़की दिखाऊंगा जिसको मिलते ही डील तय हो जाएगी। कैसी लड़की? बताता हूँ, जग्गू की पर्सनालिटी को सूट करेगी, बहुत सुंदर, घर बार एकदम खानदानी लोग हैं। तो वेंकी शादी की बात कर रहे हैं, उसके घर चले? उसकी जरूरत नहीं है, यही बुलाता हूँ। वाह मजा आ गया, कल मंदिर जाके फेरे भी निपटा लेंगे। फेरे? वो किसके लिए? शादी के लिए, और किसके लिए? अरे वो लड़की शादी करेगी नहीं, करवाएगी। क्या घुमा फिरा के बोल रहा है, दिन में भी चढ़ा रखी है क्या? अरे वो मैरिज ब्यूरो चलाती है, बड़े बड़े खानदानी लोग उसी से रिश्ता तय करवाते हैं। अगर उसने जग्गू भाई की शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना तो शादी हो गई समझो। बन गया काम, जग्गू शेरवानी का नाप दे दे। हाय वेंकी। हाय गौरी, आओ बैठो। मंडली आभारी है। तो सांगमाला तूने कौन से इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? सब बताऊंगा, पहले मेरे दोस्तों से तो मिल लो। यह है जयदेव। नमस्कार। नमस्ते, तो तुम ही मिल मिलाप करा तोस? हो सर, हेच माजा प्रोफेशन है, वेंकी के दोस्त मेरे फ्रेंड्स, आप बिंदास काम बोलो। हमें भी खुशी है कि वेंकी की दोस्त हमारी मदद कर रही है। हम चाहते हैं कि जयदेव की शादी एक सुशील संस्कारी लड़की से हो जाए, फिर कन्यादान करके मैं गंगा नहा लूंगा। आप जरूर गंगा नहाओगे सर, मी आ है, टेंशन क्यों ना का। गौरी अच्छा। जयदेव दुबई से यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आया है। इस जन्म विच हो ही नहीं सकती। वो चुचुंदर जैसी नाक थे, उल्लू जैसी आँखें हैं, शक्ल है लंगूर दी, और खाब है अप्सराओं के, खुद ब्रह्मदेव भी आ जाए ना तो भी शादी नहीं हो सकती। क्या बोल रही है? सॉरी पंजाबी क्लाइंट। जयदेव तुम सा प्रोफाइल दिखा। पुलिस प्रोफाइल तो गौरी, जयदेव का प्रोफाइल तुम ही क्यों नहीं बना लेती? ओके सर, तुम काम क्या करते हो? बोले तो बिलिंग डीलिंग सेटलमेंट्स। मंजी का है? बिजनेस डीलिंग सेटलमेंट वगैरह। इनकी स्पेशलिटी मनी डीलिंग है, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका, और इनके इस बिजनेस में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नसबंदी है। अगर हम सच कहें ना तो ये दादाजी की देन है। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लॉस एंजलिस से लोखंडवाला आया। क्या थी उनकी इच्छा? वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली, सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं। बस इतनी ना, वैसे लिस्ट काफी छोटी है। अर्जुन एक क्वालिटी, कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रूपवती, सुसंस्कृत हो, वो साक्षात लक्ष्मी काली चंडी का अवतार हो, मेरे घर को जो स्वर्ग बना दे, अन्नपूर्णा हो जिसे खाना बनाना आता हो। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रेडिशंस, ऑप्शंस दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, ढूंढोगे एक तो मिलेंगी चार। तो सबसे पहले मी तुमसा प्रोफाइल बनाऊते हैं। ए जग्गू, हमें तो बताया गया था कि मुंबई में चारों तरफ जहाँ नजर घुमाओ छोटे कपड़ों में हरियाली नजर आती है, यहाँ तो सिर्फ साड़ी पहने किन्नर नजर आ रहे हैं। भाई की शादी होने तक इनके लिए लड़के ढूंढना ही हमारा टारगेट है। इसी के लिए तो हमने गौरी को काम पर लगाया ना। पता नहीं ढूंढ भी रही है या नहीं। गौरी जी बोलिए। हाय जयदेव, तुम्हारा प्रोफाइल देख के 28 स्टेट से 26 लड़कियों ने प्रपोजल्स भेजे। 26 लड़कियों का रिश्ता? 26 लड़कियों ने हाँ बोला, फिर तो हम सभी दोस्त डबल डबल शादी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है जो अति सुंदर हैं। तो कल बेटा लजाओ या? जी हाँ मैं ये तो। कॉफी पीजिए सर, मेरी बेटी ने बनाया, बहुत टैलेंटेड है, गाना बोलो, डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, तोड़ फोड़। स्टेट अवार्ड जीते उसने। वेरी गुड वेरी गुड। विशाखा? हाँ मम्मा। यहाँ हो बेटी, यहाँ आकर जरा सास बहू के ऑडिशन के ट्रेलर तो दिखा दे। लड़की दिखाने के लिए बुलाना तो बहाना था,
मुझे दहेज के लालची को जहर पिलाना था। कहाँ चला गया? घर में कोई कुत्ता भी है क्या? यही तो था थोड़ी देर पहले। कुत्ता दिखता कैसे? ढूंढ कर लाएंगे। यहाँ था। नहीं वहाँ था। अब जरा नागपंचमी स्पेशल तो दिखाना। दिस इज कोबरा डांस। भाभी तो शादी से पहले डस रही है। इसके साथ शादी हुई तो मेरी बीन चट जाएगी। गौरी मैडम पहले ही बता देती लड़की नहीं नागिन देखने जा रहे हैं, साथ में दूध का पतीला लेकर जाते। उसे गले में बांधने वाला ये महादेव नहीं जयदेव है। सॉरी जयदेव, उसका प्रोफाइल देख के लगा था कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही मैच होगी, लेकिन इतनी अतरंगी होगी ये नहीं सोचा था। वैसे भी फोटो देख कर नेचर का पता तो नहीं चलता ना। वो लड़की इससे भयानक तो नहीं होगी ना? नको नको नको, तुम्हारे लिए मैंने एक और सुंदर और सुशील लड़की देखी है। अतः काय बोल दोस्त, तुम्ही महाना है। गौरी जी, अच्छी फैमिली बोल के पुलिस अकेडमी वाले घर में क्यों लाई हो? ओ थाम्बा सर, अभी पता चल जाएगा। ये आपस में खुसर फुसर क्या कर रहे हो? नहीं वैसी कोई बात नहीं, वो आपकी लड़की दिखाई नहीं दे रही है। ओ मेरी बेटी आती होगी, वो बुलेट राजा नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने गई है। ये उसका 56वां एनकाउंटर है। एक बार उसे ठिकाने लगा दे फिर आपका नंबर। 57वां एनकाउंटर तेरा होगा। मेरी रेपुटेशन तो गई पानी में, और वो कमिश्नर अब उनकी लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप क्यों उनकी फिक्र कर रही हैं मैडम, पहले आप उन दामाद लिस्ट में आएगा फिर वांटेड लिस्ट में आ जाएगा, अपनी तो वाट लग जाएगी ना। काय बोल तो? इसका मतलब है इसके जैसा होनहार और कुवारा हर लड़की की वांटेड लिस्ट में होगा ना। इसीलिए मैंने अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की दिखाई थी, पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, संस्कारी तो थी ना। अरे मैडम अगर घर में भी पुलिस स्टेशन की फील आएगी तो द्वार वाली और बार वाली में फर्क क्या? थर्ड डिग्री से बोले तो अपन की बहुत फटती है। मंजे काय? शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को समझो। बड़े बुजुर्ग कह गए ना, पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी नहीं है, कभी कभी दुश्मनी चलते। मैडम आप मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो मेरी नैया पार करा दे। मतलब हमें रिवॉल्वर रानी टाइप लड़की नहीं चाहिए, हंटर वाली टाइप फिर भी चल जाएगी। रिवॉल्वर रानी हंटर वाली है, काय बोलते हो, समझ में नहीं आता। अरे हम भी कहां समझ पाए। इनसे मिलो, ये है जयदेव, अमेरिका में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बैठिए ना। आप दारू शारू तो पीते होंगे ना? पीता तो हूँ, एवरी सेकंड संडे। मैं तो एक दिन भी बिन पिए नहीं रह सकती। मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना दूँ, हम दोनों पी के थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, क्या कहते हो? बढ़िया। आप अपनी बियर में क्या मिला के पीते हैं, सोडा या पानी? अरे ओ देसी गर्ल, बियर के साथ सोडा मिक्स नहीं होता। फिर भी ट्राई अच्छी थी, तू सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। अब बता असली झोलझाल क्या है, ये रिश्ता तेरी मर्जी से हो रहा है कि नहीं? एक्चुअली आप मुझे रिजेक्ट कर दो इसलिए मैं ये सारी हरकतें कर रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी से बोला भी था लेकिन उन्होंने फोर्स किया, इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए हाँ बोला। अभी तो मुझे मेरा करियर बनाना है, आगे जाके बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारे सपने हैं मेरे, सो मुझे रिजेक्ट कर दो प्लीज प्लीज। चल मेरे साथ। बात हो गई, बेटी पसंद आई? हमारे भारतीय परंपरा में जब भी घर में बेटियां पैदा होती हैं वो लक्ष्मी का अवतार कहलाती हैं, वो माँ बाप की इज्जत होती है और घर का श्रृंगार भी। अगर उनसे खुशियों की उम्मीद है तो उन्हें खुश रखना भी माँ बाप का फर्ज होता है। आपकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, उसकी उड़ान के पंख आप बनिए। बेटों को जैसे सारे हक देते हैं वैसे बेटियों के सपने पूरे कीजिए। नमस्ते, चलता। मैंने तुम्हें जितनी भी लड़कियां दिखाई उनमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई, बताओ आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए?
मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो उन दिनों में भी मेरा साथ दे, मतलब सुख दुख में भी। होमी समझ ली, बिजनेसमैन हो, बिजी तो बहुत रहते होगे, पर ये भी उतना ही जरूरी सही है। सोचा, कपा गप बिजी रहता हूँ। जयदेव आलो माला एक सांगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की को देखकर तुम्हें उससे शादी करने का मन हुआ? जयदेव सॉरी, एक्चुअली गौरी, पोरी के मैटर में मेरी बुक ओरी है। मेरे जंग लगे हुए लॉकर को खोलने के लिए मुझे एक चावी की जरूरत है। मेरा मतलब है चावी की जरूरत है। तुम्हारी एक बात की दांत देती हूँ, आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि वो अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनते हैं, और एक तुम हो कि अपने स्वर्गीय दादाजी की इच्छा पूरी करने चले हो। तुम ही छाना है। दद्दू की पसंद की अगर संस्कारी लड़की नहीं मिली तो उनकी भटकती आत्मा और भटकती रहेगी। तुम्हें टेंशन घेऊ नका, एक बार जो मैंने किसी क्लाइंट को पकड़ लिया तो उसकी शादी करा के ही मानती हूँ। आप बस घर जाइए और कलर्स देखिए। ओके सर, मैं निकलते, बाय। हाय, मुंबई में हर किसी का काम बन जाता है, साली अपनी किस्मत पे ब्रेक लगा हुआ है। वो देखो, उस कोयले को भी बिजली मिल गई। मैं गोरा तो दिख रहा हूं ना। वो देख, उस डंडे को भी गिल्ली मिल गई। नीचे का तापमान कैसा है? और वहाँ देख, उस फुटबॉल को भी प्लेग्राउंड मिल गया। जिम यही पास में है। क्या हरा भरा प्लेग्राउंड है। चुप, सुंदरता की तारीफ कर रही है यार। बैंक में मेरे नाम से 500 करोड़ रुपया होकर क्या फायदा? एक सिंगल लड़की भी आप उनको मुंह नहीं लगाती यार। बैड लक। बैड लक भी खराब है ऊपर वाले, आज तुझ पे से विश्वास ही उठ गया। चल यार मंदिर जाके पूजा करते हैं। अरे वहाँ तो सिर्फ आंटियां मिलेंगी। अप्पू ने सुना, भगवान ने सुना, 500 करोड़ का मेगा डील हाथ में लगा है। लगा लगा दिया बॉस। चला चला दिया बॉस। खांबा भाई बुला रहे ले। भाई बुला रहे? अबे कौन भाई? ए चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी बोला तू? वसूली भाई को सलामी ठोको, समझे गया? सुन, बहुत चर्बी है इस इंडियन सूमो में, इसे देसी कुश्ती का मजा चखा दे। भाई अपना इंट्रो देना प्लीज। hey, मुंबई में वसूली करने का परमिट एक ही भाई के पास है, वसूली भाई के पास, समझा? गलती से भी वसूली भाई किसी के पास से गुजर जाए तो आदमी डर से थर 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 कांपने लगता है। चिकन गुनिया है क्या? मैं तो इंप्रेशन मार रहा कि जग का फालूद कर रहा है। अब उनका मजाक उड़ाने वाला आता दो पैरों पे, जाता चार कंधों पे है। बात को दही की माफिक भेजे में जमा ले। ए मजनू, क्या झोल है? सामने खड़ा है। ले 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 ले। चिकने शादी मनाएगा क्या? खाली सलमान जैसा बॉडी नहीं, रजनी अन्ना जैसा पावर भी मांगता है। इसको शादी मनाने का अपन छोकरी नहीं मिल रही है। भाई हट्टा कट्टा वन पीस दिखता है, आपकी बहन की शादी करा दो ना इससे। अबे येड़े, इतना अच्छा गुड लक भी नहीं है इसका। इसके इतने बुरे दिन भी नहीं आए। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वसूली। वसूली? अच्छा, ये गणेशोत्सव का चंदा मांगना है। ये 500 देके रफा दफा कर। ए, साउथ के पंचेस मारता है क्या तेरे को? 500 करोड़ के बदले 500 चिपकाएगा। बात तो सही है, पहले तू ये बता तेरे को न्यूज किसने दी? ए तू इधर शादी मनाने को आया है, 500 खोके का मालिक है, सब मालूम है अपन को। तो तेरे को इससे क्या? समझा नहीं, अपने हक का हिस्सा चाहिए। बोले तो हफ्ता हफ्ता चाहिए। ए जग्गू, ये तो कॉमेडी हो गई, पहली बार कोई और हमसे हफ्ता वसूली कर रहा है। मस्त है, मस्त है। एक बार और मांगना प्लीज। रिपीट टेलीकास्ट है। ए करेक्टर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट से ज्यादा पंचेस नहीं मारने का। तो बैठ, पैसा नहीं देगा तेरे को, मेरा क्या उखाड़ लेगा? दुबई का डी डॉन, चाइना का चूहिया डॉन और बैंगलोर का जग्गू दादा, सबको अपने पिछवाड़े के पर्स में डाल के रखता हूँ। बुढ़ी बाबा, जग्गू दादा तेरे पिछवाड़े में शिफ्ट हुआ है क्या? अपुन जब इधर गरजता है तो वो उधर थर थर आता है, सूखे बत्ते के माफे। अगर कभी तेरे सामने आएगा तो यही डायलॉग बोलेगा? अपुन के नाम से उसकी पतलून गीली हो जाती है, इधर पीली कराने आएगा क्या? अब ये छोटे मोटे टपोरियों की बात छोड़, ये बता आप उनका हिस्सा देगा या फिर तेरे को हिस्सों में बांट दूं? जब जग्गू दादा तुमसे खुद डरता है तो इस जयदेव की क्या औकात? थोड़ी देर में आता हूँ भाई। ये काय को दे रहा है रे? इसमें भर के ला। मैं तो गोनी भर के लाऊंगा, उसे उठा लेना। ए करेक्टर आर्टिस्ट, एक कॉफी नींबू मार के ला। थोड़ा नमक चलेगा? अभी लाता हूँ।
जग्गू उसकी शक्ल सूखे हुए अंडे जैसी है और मुझे साला कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलता है। उसका पिछवाड़ा ऐसे सुजाना कि रोज लोटे में तुम्हारी शक्ल नजर आए। और साले ने हमसे कॉफी मंगाई वो भी नींबू मार के। अरे बाजार हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। जगो उसको अपना असली रंग दिखा देते हैं। भाई लोग उस काले भैंसे को आगे से 3 ठोकेंगे और पीछे से 3 ठोकेंगे, उसे पता चलेगा अपन कौन है। पता चलेगा, जरूर चलेगा। क्या भेड़ू तत्काल में मुंबई पहुँचा। तेरी ट्रेन शराफत की पटरी से उतरते ही मैं उसे वापस पटरी पर लाने के लिए प्रकट होऊंगा। वो 2 टके का चमन चिंदी जग्गू भाई से हफ्ता लेगा। बोल गया, तू भी तो यही करता था। वो अलग था, ये अलग है। अरे अलग कैसे हुआ, ये भी वही है। तो तू ये बता अपन क्या करें। ऐसी सिचुएशन को एक ऑर्डिनरी आदमी जैसे हैंडल करेगा, तुम भी वैसे ही करोगे। तेरा कहने का मतलब है कि अपन पुलिस स्टेशन जाए और उस चिरकुट का कंप्लेन लिखवा है। अरे पुलिस स्टेशन जाकर किसी का भला हुआ है। एक काम करो, उसे यहाँ बुलाकर थोड़े पैसे देकर दफा करो यहाँ से। ससुरिये काल जी। पूना जा रही हूँ एक शादी में, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ शहर की सारी अच्छी फैमिलीज आएंगी। लेकिन ध्यान रखना, इतने सारे ऑप्शंस देके तुम कंट्रोल मत खो देना। एक्सप्रेस वे से आऊँ? हो, टोल भर के आ जाऊंगा। क्या तकदीर है, एक अच्छी दुल्हन की तलाश में पहले बैंगलोर से मुंबई आया, अब वहां से पुणे पहुंच गया। रेड कारपेट पे शायद मेरी किस्मत चमक जाए। दद्दू की चॉइस की लड़की कौन होगी कैसे पता चलेगा। दद्दू ने संस्कारी लड़की ढूंढने को तो बोल दिया, ये भी बता देते कि वो दिखती कैसी है। करेक्ट। तो अब बता देता हूँ। तू इत्थे आ गए? तुम जहाँ मैं वहाँ। जग्गू वहाँ पर बहुत सारी संस्कारी लड़कियाँ एक साथ गुटर गु कर रही हैं। मैं दाना डाल के आता हूँ। कहाँ निकल लिए जग्गू बेटा? एक अच्छी और संस्कारी लड़की वो होती है जिसे देखते ही मन में शुद्ध और निर्मल भाव पैदा हो, उसके लिए सम्मान जाग उठे, उसकी सादगी ही उसका सौंदर्य हो, और जब वो हंसे तो फूल खिलने का एहसास हो। उसके नयन नील कमल से ज्यादा आकर्षक हो, वो बुजुर्गों का आदर करे, और अगर एक बार उसे देख लो तो दुनिया में किसी और को देखने का मन ही न करे। मेरी इनिंग्स चालू हो गई। अच्छा। है गो बैक टू पवेलियन। कुछ नहीं, पहली बार तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रहा हूँ। सच कहूँ इस साड़ी में तुम एक्स्ट्रा लार्ज खूबसूरत लग रही हो। साड़ी तुम पर अच्छी लगती है, तुम साड़ी में अच्छी लगती हो, कहना बहुत ही मुश्किल है। अब देखा जाए तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का यही तो मौका है। अब तुम ही देखो, सब ने थीम के हिसाब से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। मुझे तो नहीं बताया। मेरी गलती, सॉरी। मैम डीजे वाला अब तक नहीं आया। क्या प्रॉब्लम है गौरी, क्या हुआ? शादी के लिए एक डीजे को बुलाया था, अभी तक नहीं आया है। आधे घंटे में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, अतमी काय करूं? मेरे पास एक आइडिया है, एक मास डीजे चलेगा। मास डीजे? जयदेव आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, तुमने शादी के फंक्शन में जान डाल दी। इस नाचिस की तारीफ न को, खाने की तारीफ करो, अच्छा बना था। वहाँ कोई लड़की पसंद आई तुम्हें? हाँ। खरास? उससे बात की? नहीं। अरे मुझे तो बताया होता, मैं ही सेटिंग कर देती। अगर तिमुलगी मना कर देती तो? ऑब्वियसली नॉट जयदेव, तुम्हें कोई लड़की मना कर सकती है क्या? आपके मुँह में घी पनीर, कब चमकेगी मेरी तकदीर। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, वहाँ आगे रोकोगे जरा? हाँ, गाड़ी थाम दो। सही मराठी है, गाड़ी थांबाओ तो। मियाँ भी शिकायत आ है। पानी दे भाई। लीजिए साहब। छुट्टा रख ले,
मेरी लस्ट की स्टोरी में विलन की एंट्री हो गई। इससे डरो मत गौरी, इस बंदर को जितना उछलना है उछलने दो। काट डालूंगा इंटरवल से पहले, पिक्चर खत्म हो जाएगी। भूतनी के लगता है तुझे बी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग मारने का बड़ा शौक है। जिसकी नजरों में औरत की इज्जत नहीं, उसे मर्द बनकर घूमने का कोई हक नहीं। जान दे। दस तक गिनता हूं। अंग्रेजी तो आती है ना? वाह छक्का। सॉरी सॉरी अंकल। गाड़ी मेरे डालेंग, मेरी जान मेरी बलवान, आजा आजा मेरे गले लग जा, मेरी प्यास बुझ जा। छोटा भाई हूं मैं। मुंबई शहर का सबसे बड़ा डॉन, उसका नाम लेते हैं पूरा शहर कांपने लगता है। तेरा इंट्रोडक्शन दे। तुझे नर्क में भेज रहा हूं, वहां पता चल जाएगा। मुझे हाथ तो लगा के दिखा, मेरा भाई तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हेलो सुभाष भाई, शक्ति भाई को किसी ने बुरी तरह से मारा है। क्या? वो पुणे के हर्षा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी आ जाइए। पता नहीं भाई, एक ही आदमी था। सिर्फ एक ही आदमी? शक्ति कुमार। गुड मॉर्निंग जयदेव। शुभ सकाळी। इस तरह सुबह सुबह ताजी हवा में बैठ के कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है ना? बिल्कुल सच कहा। या बसा। तुम्हारा चेहरा कह रहा है जयदेव कि उस लड़की की याद में रात भर सोए नहीं हो। सही कहा। यानी प्यार का जादू चल गया। अच्छा ये बताओ कि वो लड़की दिखती कैसी है? खूबसूरती की मिसाल है। पर शादी में तो हर लड़की मेकअप शेकअप करके ही आती है, फिर उस लड़की में तुम्हें ऐसी क्या खास बात नजर आई? खैर छोड़ो, मेरी दिखाई हुई एक भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन खुद जाके ढूंढा तो एक नजर में पसंद आ गई। ऐसा क्या खास है उसमें? गौरी जी, उस लड़की की बात ही अलग है। उसमें वो सारे गुण है जो मेरे दादाजी चाहते थे, कम्प्लीट हिंदुस्तानी नारी। उस दिन उसे शादी में देखने के बाद किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। ऐसा क्या मंटोस, स्ट्रेट अवे प्रपोज करने का ना? फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैं घाबर तो। कशाला घाबर तोस? अच्छा एक काम करो, समझो कि मी तीज मुल गया है, अब प्रपोज करो। तुम्हें? और क्या, क्या मैं तुम्हें दिखने में सुंदर नहीं लगती हूँ? वो बात नहीं है। तब पटकन प्रपोज करा। अरे आई लव यू बोलने में इतना टाइम लगाओगे तो उस लड़की की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे और उसके बच्चे भी किसी को प्रपोज कर रहे होंगे। तुम चा काई हो शकत नाई। इसका मतलब वो मेरी बाइको नहीं हो सकती? कशी होनार, लोग अपनी प्यार की गाड़ी रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ाते हैं और तुम आई 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 करके यही अपनी साइकिल पर बैठे रहो। प्यार के मामले में ना तुम बिल्कुल येड़े हो। अब नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हें मुझे आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। ओके मी निकते। जयदेव, वो स्पेशल लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी।
टेंशन घेऊ नका। गुड मॉर्निंग सर। जयदीप तुम पेट्रोल भरवाओ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके। टंकी फुल कर। शास्त्रीय संगीत के वार्षिक समारोह में अपनी सशक्त गायकी से सबका दिल मोहने वाले हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगी कि वो आके हमसे दो शब्द कहें। आइए सर। यहाँ हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता के नए मकाम हासिल करके अब यहीं सेटल हो गया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन इन सब के बीच हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक ठीक तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं, और ऐसे लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे बीच हमारे संगठन के सदस्य श्री उदय नायक जी आप लोगों के सामने एक स्कीम रखेंगे जिसकी पूरी जानकारी वही अच्छी तरह से दे पाएंगे। आइए। उदय नायक जी, मैंने बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, केरला के अलावा और भी कई शहरों में बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन सिर्फ पैसा बनाना ही मेरा मकसद नहीं रहा। हाल ही में आश्रय अपार्टमेंट नाम का एक नया प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया है। आप लोगों के लिए सुंदर और किफायती अपार्टमेंट्स बनाने की मंशा मैं रखता हूं, और आप सभी से विनती करता हूं कि संगठन की जमीन आप इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित करें। हम भगवान तुम्हारा भला करें। काय झाला बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? सोने जा ही रहा था, फिर मैंने यहाँ लाइट देखी। वैसे रात के 11 बजे तुम क्या कर रही हो? मेरे क्लाइंट है मिस्टर जयदेव, खूब छान मानुसा है। आजकल के वक्त में बच्चे अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते, ये अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने अमेरिका से इंडिया आए हैं। भाई कमाल की बात है, ये तुम्हारे क्लाइंट मिस्टर जयदेव अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने इतनी दूर से आए हैं, अब तुम अपने पापा की इच्छा कब पूरी करोगी? तुमची इच्छा काय आहे? और क्या हो सकती है, तुम्हारी शादी? जरूर करूंगी बाबा, लेकिन उसके लिए पसंद का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। आज की दुनिया में अच्छा लड़का मिलना कितना मुश्किल है, आप जानते हैं ना बाबा। ये पट्टी तो तुम मुझे कई सालों से पढ़ा रही हो। क्या पियूं, क्या पियूं? ये परफेक्ट है। वैसे ये भी परफेक्ट है। जयदेव हूँ तो नहीं, पर तुम समझ लोगी तो आई वोंट माइंड। कहाँ चली? हेलो, क्या तुम जयदेव हो? तुम हो? ए हीरो, तुम हो क्या? कौन हो तुम? कमली, ओपनर कमली। यहाँ क्या खोलने आई हो? बिना पासवर्ड की फ्री वाईफाई हूँ, कोई भी लॉगिन कर सकता है। अपनी अदाओं के जलवों से अच्छे अच्छों के होश उड़ा सकती हूँ। दिन को सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू बन सकती हूँ, रात में शर्म का घूंघट उतार कर जवानी के शोले भड़का सकती हूँ। बस गन लोडेड रहनी चाहिए।
तुम कहो तो अभी डेमो दिखा सकती हूँ। गन लोडेड है तो जयदेव पे फायरिंग करना। जयदेव मान गए तुम्हारी बॉडी को। कहाँ कहाँ डोले बना रखे हैं। ये आइटम कौन है यार? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। छोड़ मेरा टॉवल, छोड़ कलयुग के दुशासन, छोड़ तू रे मुझसे। तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? क्या अबे तुम लोग क्या नंगा नाचते कर रहे हो? अबे क्या पिक्चर बनाई तूने अंदर? पाखी सावन बन के आई थी, पाखी गुलजार बनकर निकल गई। वो बेचारी तो संस्कार सीखने आई थी तो मैंने उसकी ले ली। क्या ली भाई? उसकी क्लास। और क्या, क्लासरूम तो बंद कर ले। इस देवदास को देखो जरा। आओ भाई, क्या हुआ? क्या यार जग्गू, जो पार्सल तुम्हारे लिए आया था उसका रैपर तो इसने खोल दिया। तुम तांडव के बजाय कैंडी क्रश खेल रहे हो। ना अपन का क्रश तो कोई और ही है, उसमें अपन को इंटरेस्ट नहीं। गुरु, एक अरबपति लड़का लड़की ढूंढने के लिए आया है और ये बात सबको पता चल चुकी है। अपन ने लड़की चूज कर ली है। क्या कहा, लड़की चूज कर ली? कौन है वो? नाम क्या है? कहाँ की है? लड़की खानदानी तो है ना? गौरी? ये तो गौरी है। जग्गू, दद्दू की लिस्ट के सारे गुण है इसमें। अपन को तो कुछ कम नहीं दिखा, संस्कारों की जड़ी बूटी का आयुर्वेदिक घोल है वो। मुझे तो पहले दिन से वो भाभी लगी थी। शादी करवाने वाली से ही शादी कर रहे हो भाई? आहे भरने तक तो ठीक है, लेकिन कन्फेस किया कि नहीं? मौका ही नहीं मिला। जग्गू भाई, क्लैरिटी के साथ बोल दीजिए ना। प्यार के अंधे को क्लैरिटी कहाँ से आएगी? जग्गू डोंट वरी, यश चोपड़ा के 2-3 फिल्मों के डायलॉग याद कर ले, भाभी भीगी साड़ी में दौड़ती हुई आएगी। मजनू, शादी से पहले ही तूने मेरी ड्रीम गर्ल को भाभी मान लिया। हाँ। अंतर्यामिया भिड़ो तू तो। कब तेरी भाभी इस भैया की होगी? जग्गू, लगता है ओपनर कमली के अरमान पूरे नहीं हुए। मैं उसका चैप्टर क्लोज करके आता हूँ। ओके। रुक मजनू, उसका खाता मैं बंद करके आता हूँ। ठीक है जा, और पूरा ब्याज वसूल करना। सबके सब निकम्मे निकले। वाई फाई पे नीली पीली फिल्में देखते रहते हो, वो बिजी रहता है, लेकिन कम से कम तुम तो उसकी रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप पे दे सकते हो ना? प्रणाम पुत्र, सबको मारे। कैसे चल रहा है तेरा मार्केट का बिजनेस? ठंडा है, डीमोनेटाइजेशन। ए तू वो यहाँ क्या बनने आया था रे? वो इंटरनेशनल डॉन। हाँ वो तो बन गया क्या? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर हूँ, सिग्नल मिलते ही बन जाऊंगा। अरे बाबा तू जल्दी से बन जा, वो अड़ोसी पड़ोसी सब पूछते बन गया क्या, बन गया क्या? मम्मी, जग्गू तेरी माँ को सपना आया कि तू 3 सबसे जरूरी चीजें छोड़ चुका है। बापू क्या बात कर रहा है तू? चक्कू छुरी गन। ऐसे सपना खत्म, हम फ्लाइट पकड़ गए इधर, तसल्ली हुई अपना बेटा इंटरनेशनल डॉन बन रहा है। अरे बेटा ये क्या शरीफों वाले कपड़े पहन रखे हैं, चल उतार। अम्मा भाई लोगों का नया फैशन है। तू कुछ भी पहने डॉन ही लगता है, चल आ जा, डॉन लोगों की अच्छी नजर डालो। चलो बेटा। जय गब्बर सिंह, जय मगैम्बो, इंटरनेशनल डॉन बन जा, सफेद से ज्यादा काला पैसा कमा, अच्छी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठरकी गिरी काय को मा? इंटरनेशनल डॉन बनना है तो इनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। चल तेरी एक सेल्फी लेती हूँ। जग्गू बोल चक्कू डन। इनसे भी कमीना लग रहा है रे। माँ तू ऊपर से उड़ के आई है ना, थकी होगी, सो जा। ए वेंकी, दोनों को ठिकाने लगा दे, माल भरा है, मिलते हैं आराम से। उफ जग्गू, इससे पहले कि मम्मी जी के अरमान जागे, अपने अरमान जाके गौरी को बोल डाल। ये वीराना रेस्टोरेंट है क्या, इतना खाली क्यों है? भाई ये मुंबई की तोता मैना वाली जगह है, यहाँ लड़की को प्रपोज किया ना वो ना ही नहीं बोल सकती। लाइफ में पहली बार तू किसी लड़की को प्रपोज मार रहा है, तेरा दिल किसी और पे ना आ जाए इसीलिए सबको भगा दिया। मित्र मंडली, लॉन्ग बैक अगो किसी महापुरुष ने कहा था, तलवार से किसी का सर काटकर फेंकना आसान है, लेकिन फूल से किसी लड़की को पटाना बहुत ही मुश्किल। हाथ कांपते हैं और धड़कन जेट स्पीड की तरह बढ़ती है। कांपना अलाउड नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। लगता है भाभी आ गई, ये गॉगल पहन ले और कॉन्फिडेंट। हाँ चलो रे, गड्डी मारो, कट लो कट लो। हाय गौरी, कैसे गए तुम? गौरी गौरी गौरी, बैठो ना, बसा बसा बसा, बैठो ना बैठो ना। मीटर बस लिए पर तुम क्यों खड़े हो? थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। क्या बात है, आज बहुत ही घबराई लग रही है तू अपन को। घबराए हुए तो तुम लग रहे हो,
वैसे ये बताओ आज तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया अचानक? वो क्या है कि फर्स्ट टाइम तुमसे अकेले में बात कर रहा हूं ना, इसलिए लैंग्वेज चेंज हो गई। जयदेव, हम आज पहली बार अकेले नहीं मिले, पर आज तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। पहले ये बताओ कि तुम क्या लोगी? कॉफी, टी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, बॉर्नविटा? हां, तुम्हें चाय पसंद है? चाय पसंद है, दो कॉफी लाना प्लीज, दो कॉफी। जयदेव, मुझे तुम टेंशन में लग रहे हो। अपुन वो देखो, मैं जानती हूँ कि तुम नर्वस हो क्योंकि तुम्हें आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं। करेक्ट करेक्ट कम्मा नालायक उल्लू का पट्टा, बोल डाल इसे। देख गधे कितनी सुंदर है, एकदम गुलाब का फूल। ऐसी संस्कारी लड़की की बात करता था मैं। बोल डाल खोचू वरना सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा। सुनो गौरी, मैं फुल टू रेडी हूँ, अब बोल डालू। मुझे गाना गाकर प्रपोज कर रहे हो क्या? जब से तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखा है, मेरा उठना बैठना लेटना सब पे ग्रहण सा लग गया है। माँ कसम, अपन सच बोल रहे हैं, अपन के दिल में तुझा फोटो है, आई लव यू पूरी। क्या तुम जी सटकली आएगा? ये थी वो बात जिसके लिए अर्जेंटली बुलाया मुझे यहाँ पर? पूरी मुंबई में तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली है बोलने के लिए? गौरी, मेरी बात का यकीन करो, मेरा प्यार 100% सच्चा है। दद्दू ने जैसी चाही थी तुम बिल्कुल वैसी हो। पर जयदेव, गौरी जी, आप इसे कितनी भी लड़कियों के फोटो दिखा दीजिए, इसे कोई नहीं जचने वाली, क्योंकि आपका पोस्टर इसके दिल में है। अब आप बताइए, आपको ये पोस्टर बॉय पसंद है? लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन भला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? इसके लिए तुम्हें मेरे बाबा से बात करनी होगी। अगर उन्होंने हाँ कह दी तो मेरी तरफ से भी हाँ है। आता मैं निकते बाप के बाप जियो। नमस्ते सत्यनारायण। नमस्ते। यही है वो यूनियन की जमीन जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जी बढ़िया है, जगह प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से कई बैंक्स इन्वेस्ट करने को तैयार है। अच्छा, अब संगठन की तरफ से मुझे साइन किए हुए पेपर्स चाहिए होंगे। तो सोमवार को 11 बजे आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। हाँ। कमिटी के सारे सदस्यों को वहां आने के लिए कह दूंगा। जी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी, मैं आपको वर्षों से जानता हूँ, इसलिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी वजह से इस गरीब के सर पर भी छत होगी। हमारा घर बनने वाला है, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी तनख्वाह, मेरी आज तक की जमा पूंजी सब लेकर आया हूँ मैं। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। आप महान हैं सर, ये तो मेरा फर्ज है। दरअसल मरने से पहले अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाना मेरी दिली ख्वाहिश थी, आपकी कृपा से ये हो पाया। भगवान की कृपा है। उदय नायक जी, लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा जताया है कि दिल घबराने लगा है। आपने जो इनसे वादा किया है कि एक वर्ष के अंदर आप इन लोगों के लिए घर बनाएंगे, इस कार्य की सफलता के लिए आपको पूरी शक्ति मिले, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना होगी। फिक्र मत कीजिए, प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो जाएगा। आपकी जबान मेरी जबान, मुझ पर भरोसा रखिए। दद्दू, तुम्हारा आगमन काइकू। पहली बार एक संस्कारी घर में कदम रख रहे हो तुम, हमारे घर में पहली इज्जतदार बहू लाने के लिए। मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूं, क्या करूं? पहली बार इज्जतदार फैमिली ने डिनर के लिए इनवाइट किया है, अंदर से दिल मेंढक की तरह फुदक रहा है। ए, तू शंकर दादा द ग्रेट का पोता है और तुझे डर? डरने का ना है। अंदर कोई लोचा हुआ ना तो थारे पे बॉम्ब फोड़ूंगा। मैं हो ना तो सीना तान के जा। वो तो ऑलरेडी था। जयदेव, यहाँ तुम किसी से बात कर रहे थे क्या? वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, आत्मधैया। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? वो मरवाएगा क्या? माली है सर। माली? जी हाँ, रिटायर होने के बाद वो पूरा दिन अपने बागीचे में ही गुजारते हैं। पौधे में फूल उगाना, उन्हें पानी देना, मुरझाए पत्तों को तोड़ना। गो ग्रीन पे उनका टोटल विश्वास है। ओह, यू मीन गार्डनिंग। रिटायरमेंट से पहले वो किस प्रोफेशन में थे? रिटायरमेंट वो लोगों को भगवान के पास भेजते थे। ये कैसा प्रोफेशन है? वो कहना,
भगवान के पास लोग मरने के बाद जाते हैं ना। मेरे पिताजी उन्हें जीते जी भगवान के पास भेजते थे। मेरा मतलब है धार्मिक गुरु थे सर। और माता जी क्या करती हैं? मेरी माता वो मम्मी गाना गाती है सर, डांस भी अच्छा कर लेती है। भजन कीर्तन करना तो उनकी जिंदगी है, टॉप क्लास की एंटरटेनर हैं। लगता है बहुत धार्मिक परिवार है तुम्हारा, पूरी तरह भक्ति में लीन। बाय द वे तुम क्या करते हो? बाबा आपके सवाल तो चलते रहेंगे, उन्हें चाय पीने का मौका तो दीजिए। ओह प्लीज चाय पीजिए। गौरी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, उसे मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। आज तक उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी, लेकिन आज के बाद गौरी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। ये ध्यान रखना कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी ना आए। कभी नहीं आएगा। वेरी गुड। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मेरे बेटे के डान बनने के बाद इस समंदर को स्विमिंग पूल बना दूंगी और उसमें तैरूंगी, इस पूरे इलाके को जागर स्पार्क बना के दौड़ूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। जवाब नहीं, मेरा बेटा इंटरनेशनल डॉन बनेगा, इंटरनेशनल डॉन बनेगा, यही बोलती रहोगी। उसके शादी के बारे में कुछ सोचोगी कि नहीं? मैं उसकी शादी की फिक्र काय को करेगी? तो फिर कौन करेगा? मैं क्या घर घर जाके उसके लिए लड़की ढूंढेगी? हाँ फिर अपुन का फैसला एक ही। हाँ। अपुन के बेटे की बेडरूम पार्टनर बार डांसर चंपाइश बनेगी। जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा नहीं नहीं जग्गू दादा ये है, जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा। इसकी माँ की, ये माँ की डांसर है बे। इधर आ। अरे क्या कर रहा है? हाँ लगता है जग्गू खड़े खड़े किसी लड़की को एड्रेस बता रहा है। अरे है वो सिर्फ खड़ा नहीं है, उसे वो चिपका चिपकी कर रहा था। अरे गले ही लगा रहा है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा उसके साथ है? इस उम्र में और क्या करेगा, बेटा किसका है? तुम चुप रहो जी, मैं किसी दूसरी बार डांसर को इस घर में नहीं आने दूंगी। चलो मेरे साथ, अभी उसका बार 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 डांसर थोड़ी लाएगा वो। मुंह मार रहा है। अरे अरे आजा जल्दी आजा। जयदीप बाबा तो हमारी शादी के लिए राजी हो ही गए हैं, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी इसके लिए मान जाएंगे ना? तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो जरूर हाँ कहेंगे। Yes, I love you. अरे मेरा वस्त्र हरण। अरे रे रे रे, मेरा गधा तो घोड़ा बन गया। पागल हो गई थी। खतरे की घंटी बजी। टन 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 टन। देख के चल बुढ़िया, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते। अरे रे रे रे, अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? अबे तू खड़ा रहे इधर ही। ए टैक्सी। अरे अब मैं क्या करूँ? रिक्शा रिक्शा इधर। ए हवाई जहाज की तरह उड़ा। रोक 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 रोक। वो चुड़ैल कौन है जो अंदर गई? चुड़ैल नहीं मैडम, घर की मालकिन गौरी है। चंपा की सौतन, चंपा को उठा के लाती हूँ यहाँ। ठीक है। ओए जी, अपुन जग्गू दादा की माँ। जग्गू दादा की माँ कौन है वो? है? नहीं जानती क्या? उस दिन रिसार्ट के सामने जिसे देखकर तेरी लार टपक रही थी, जिसके साथ में तू चिपका चिपकी कर रही थी, वही छे जग्गू दादा, अपुन की औलाद। उसका नाम है जयदेव, जग्गू दादा नहीं। ए, अपुन के बेटे का नाम इतना थकेला नहीं है? गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, किडनैपिंग, धमकी, रेप। ना 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 ना, रेप नहीं किया, लौंडिया बच गई सारी। बोले तो बैंगलोर का मशहूर डॉन, सिर्फ नाम सुन के निकल जाती है लोगों के। अपन चाहती थी वो अनपढ़ रहे, क्योंकि पढ़ लिख के अपन के देश में तो कुछ होता नहीं है। चक्कू छुरी गन सब सिखाया। बोले तो लोगों की हड्डियां तोड़ना सिखाया। जानती है क्यों? ताकि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बने और बाद में सारी दुनिया ये कहे, जानते हो जग्गू दादा की माँ कौन है? पुष्पा बाई। और खुशी से फूल कर मेरा सीना 40 से 80 हो जाए। हा हा, कुछ ज्यादा ही हो गया। अपुन के बेटे पर अपुन को पूरा भरोसा है, अगर वो अपना काम पूरी शिद्दत से करे तो हर पुलिस थाने में वो वांटेड 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 हो जाएगा। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? अरे सच कह रही हूँ, गौर से देखो इसे। ये है चंपा बाई, बैंगलोर की कटीली नचनिया, हर बार में बारम्बार ठुमके मारती रहती है, एकदम फाड़ू डांस करती है। दिन का लाख रूपए का कलेक्शन है, यही बनेगी अपुन की बहू। आपकी ये बेटी अपुन के किसी काम की नहीं, किसी और के मत्थे मार दो इसे। अपुन सही बोल रही ना चंपा बाई बहू? हैं क्या हुआ, रो क्यों रही है? ए सुन, मैं तेरे से आंचल गिरा के
आंचल फैला के भीख मांगती है कि मेरे बेटे को सराफत के उजाले में फेंक कर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। गब्बर सिंह की कसम, फूलन देवी खुश होगी। चल चंपा। भाइलोग, गौरी अपुन से पड़ गई है और उसका बाप भी बोतल में उतर गया है। अब किसी तरह अपनी हिटलर मम्मी को पटाने का आइडिया सोचना पड़ेगा। फिर अपनी सुहागरात तो पक्की। ए ग्रैंडपा, तेरी स्वर्ग यात्रा मंगलमय हो। इस जन्म में शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो। तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मोहरा बनाया। जयदेव बनकर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। जग्गू, सॉरी, जग्गू दाना। भले ही अपुन ने झूठ बोला, लेकिन अपुन का प्यार झूठा नहीं। छी, कौन सा प्यार? प्यार लव्स का मतलब ही समझते हो? तुम तो सिर्फ किडनैपिंग, गुंडागर्दी, मारधाड़ ही समझते हो। प्यार की भाषा जानते हो? तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। अब हमारे बीच सब खत्म। तुम मानती हो कि मेरा प्यार झूठा है, पर तुमने तो सच्चा प्यार किया है। मैंने प्यार किया था जयदेव से, जग्गू दादा से नहीं। जब जयदेव का वजूद नहीं तो उस प्यार का भी कोई वजूद नहीं। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। जग्गू, सारी पैकिंग हो गई है, चले। जग्गू भाई, जग्गू भाई, गौरी, गौरी के डैड एक घोटाले में फंस गए। लोग गुस्से में उनके घर के सामने जमा हो गए हैं। उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी पहुंचती होगी। सत्यनारायण, तुम्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंप दी, एक रात में कंगाल कर दिया। भेड़ के रूप में भेड़िया निकला, ये बहुत बड़ा चोर है। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं है, इनके साथ भी धोखा हुआ है। आपको धोखा देने वाला मैं नहीं, वो उदय नायक है। हम उसे नहीं जानते। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ। जाओ बेटे। हमें उनसे बात करनी है, तू इन्हें जानता है ना? सर से रिक्वेस्ट करना। सर, इन्हें सत्यनारायण जी से मिलने दीजिए, इन्हें एक जरूरी बात करनी है, प्लीज सर। ओके। सर, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का यह आक्रोश आप जैसे इंसान को निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित कर देगा। सर, अगर आप मुझे सारी सच्चाई बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। क्या बताऊं तुम्हें, उदय नायक ने संगठन के सदस्यों के लिए सस्ते फ्लैट की स्कीम बनाई और भूमि पूजन की आड़ में उसने जमीन अपने नाम करवा ली। उसकी स्कीम, उसका ऑफिस, उसका घर सब झूठा था, बोगस था। उसने मेरे नाम का फायदा उठाया, मुझ पर भरोसा करके लोगों ने उसकी स्कीम में पैसे लगाए। अब सारे लोग ये मानने लगे हैं कि मैं भी इस फ्रॉड में शामिल हूँ। किसी गलत आदमी के साथ कुछ गलत हो उसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। इस तरह किसी पर इल्जाम लगाकर, उन्हें बेइज्जत करके या किसी निर्दोष को दोषी ठहराकर आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वापस क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपका पैसा लेकर भागने वाला उदय नायक है। लेकिन हम सबने तो पैसे सत्यनारायण को दिए थे। अगर सत्यनारायण जी का मकसद आपके पैसों को लूटकर भागना होता तो वो यहाँ पुलिस का इंतजार नहीं करते। लेकिन हमारे पैसों का क्या? वो आपको मिल जाएंगे। वो कैसे? मैं लेकर आऊंगा। तुम वापस लाओगे? पर कैसे लाओगे, कौन हो तुम? मेरा नाम जयदेव है, लेकिन बेंगलोर मुझे जग्गू दादा कहता है। तुम कहीं बेंगलोर के डॉन जग्गू दादा तो नहीं? तुम भले बेंगलोर में डॉन होगे, लेकिन ये बेंगलोर नहीं, मुंबई है। आप मेरी बात का भरोसा रखिए, इस सुदय नायक को मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा, आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिल जाएगी।
मेरी दरख्वास्त है कि आप पुलिस को उनका काम करने दीजिए। एक बार पहले भी हम लोग विश्वास के नाम पर धोखा खा चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर एक बार फिर किसी पर विश्वास करने का दिल करता है। हम सब सहयोग करेंगे, भगवान के लिए हम सबके पैसे वापस दिलवा दीजिए। आप सबके पैसे लौटाए बगैर मैं मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा, यह जग्गू दादा का आपसे वादा है। इधर भी मैच फिक्सिंग। ए वो देख बकरा, अपुन का आज का जुगाड़ हो गया। काय रे काय साला, ये सरकारी स्ट्रीट लाइट के माफिक तुम लोगों के थोबड़े की बत्ती काय को बुझेली है? लोचा लपाटा क्या है, अपुन को बोलो मैं हूँ ना भाई। लड़की नहीं मिल रही है ना, इसलिए देवदास बन के घूम रहे है। वैसा भी सड़ेला थोबड़ा है। सिंटेक्स की टंकी, हम चुप है तो कुछ भी बोलेगा। ए शट अप, पतझड़ के गिरे हुए पत्ते ढक्कन के, तुम लोगों को अपनी चोरी इधर कोई नहीं देने वाला है। हाँ, चुपचाप इधर से निकल लो। ए, इसका टेंट वाला बात। ए, तेरे को रिपीट टेलीकास्ट सुनाऊं क्या? दुबई का डी डॉन, चाइना का चूया डॉन, बैंगलोर का जग्गू। ए गुलाब जामुन, हम लोग चुप है तो कुछ भी बोलेगा क्या? ये है बैंगलोर का डॉन जग्गू दादा। ये है जग्गू दादा। भाई अपन जानता नहीं था आप कौन है, माफ कर देना अपुन को। ये पूरा इलाका अपुन का है, इधर अपुन का बेइज्जती मत उतारना। उस दिन आपसे मैं जो भी रोकड़ा लिया सूद के साथ देगा अपुन। वो पैसा तू अपने पास ही रख, मुझे किसी के ठिकाने का पता चाहिए। किसका पता चाहिए? उदय नायक का नाम सुना है? 1 वीक का टाइम दो अपुन को, 2 दिन का टाइम दो अपुन को, बस इतना टाइम दो, अपुन जाके बताता हूँ। शुक्रिया सुभाष भाई। जब तक आप जैसे पॉलिटिशियंस का हाथ हम जैसे क्रिमिनल्स के सर पर है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसे तो मैं ले आया, स्कैम के इल्जाम में सत्यनारायण जेल जाएगा। लोगों को सस्ते फ्लैट का झांसा देकर संगठन की जो जमीन हमने हथियाई है वो अब आपके नाम हो जाएगी। गरीब लोगों के पैसे से तू अपना महल खड़ा करने चला था, गंदे नाले के कीड़े। ए, कौन है रे तू? चल तुझे बताता हूँ कौन हूँ मैं। ए, ए! हेलो गौरी, मैं उदय नायक को एसीपी राजशेखर के पास ले जा रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे पापा घर पहुंच जाएंगे। सुभाष भाई, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे, इसलिए बच्चे को हीरोगिरी दिखाने का मौका दिया। क्या एसीपी, तू भी बिक गया?
क्या करें यार, सुभाष ने इतना पैसा दिया कि मुझे ही नहीं मेरे ईमान को भी खरीद लिया। मैं हूँ सुभाष, इस मुंबई शहर का भगवान। मेरे ही इलाके में आकर मेरा ही प्लान फेल करके तू बच के निकल जाएगा, हलुआ समझा है क्या? तू भले ही यहाँ आया अपनी मर्जी से है, जाएगा हमारी मर्जी से। यहाँ पे किसकी मर्जी चलेगी ये अपन डिसाइड करेगा। बदला लिए बगैर अगर दुश्मन मर जाता है तो उसे जिंदा करके मारता हूँ मैं। ए जग्गू, अपनी दादागिरी जाकर बेंगलोर में चला, यहाँ नहीं। पेशाब करके अपने इलाके का दायरा बनाने का शौक कुत्ते पाला करते हैं। शेर जिस इलाके में घुस आता है वहीं अपनी छावनी बना लेता है। अपन जब खड़ा तो भगवान से भी बड़ा। लड़ते नहीं है, नाइस हेयर कट। मेरा सतान जग्गू, जग्गू सतान, सतान के लिए। स्माइल, एक सेल्फी भी। भाई यही है वो जिसने मुझे पुणे में कुत्ता की तरह मारा था। ये तो कहीं मिला नहीं पर उसके दोस्त मिल गए, सारे खुद्दा सुन पे निकाल दी। भाइयों की सोच कितनी मिलती है। ताली भाई, इसको छोड़ने का नहीं। तब मैं तो रस्सी खोल। इस सुभाष पर तूने हाथ उठाने की जरूरत की? अब देख मैं तेरे और तेरे दोस्तों का क्या हश्र करता हूँ, बस देखता जा। एसीबी चकू, एसीपी हॉस्पिटल ले जाओ इसे, और ये पूरा स्कैम इसके सर पे डालो। आज मुंबई के बहुचर्चित
आश्रय प्रोजेक्ट स्कैम ने एक नया मोड ले लिया है। इस केस में बैंगलोर के अंडरवर्ल्ड डॉन जग्गू दादा का नाम सामने आया है। इस खुलासे से ये तो साबित हो गया है कि इस केस में अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। केस के मुख्य आरोपी उदय नायक को एक फायरिंग में गोली लगने के बाद यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने जग्गू दादा को अरेस्ट कर लिया है। देखिए पुलिस कमिश्नर सुनील शिंदे की प्रेस रिलीज की एक झलक। आश्रय स्कैम में सत्यनारायण के साथ जग्गू दादा भी पार्टनर था। जग्गू दादा के अरेस्ट होने के बाद इस केस से संबंधित और कई नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। हमें जग्गू से मिलना है वरना हम मीडिया के पास चले जाएंगे। ये लड़की क्यों चिल्ला रही है? मुझे जग्गू से मिलना है। क्यों? सच्चाई बाहर लाने के लिए। कौन सी? उदय की। जग्गू ने खुद मुझे फोन करके बोला है कि उदय को उसने आपके हवाले किया है और आपने मीडिया के सामने कुछ और ही बोला। मैं जानती हूँ आप सब मिले हुए। ए लड़की, क्या लगती है तू उसकी? उसकी रखेल है क्या? इंस्पेक्टर, बस करो इंस्पेक्टर। ए लड़की, इस मामले में पड़ेगी तो पछताएगी। बात सुनो गौरी, जग्गू ने इस केस के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? उसने बताया था कि वो उदय को पुलिस के हवाले करने वाला है, लेकिन फिर ये सब हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। तेरे को और तेरे बाप को बचाने के चक्कर में मेरा बेटा चक्की पीसिंग काय को मिली तू उससे? चंपा की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाए? इसकी बाकी जाए। ये तुमने जग्गू की लाइफ खराब करने वाली वो नहीं, तू है। इंटरनेशनल डॉन बनाऊंगी, सबसे बड़ा गुंडा बनाऊंगी। अब देखो ये नौबत आ गई मेरे बेटे पे। आप उनको बताएं, सुभाष मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है, वो जग्गू को अपना दुश्मन मानता है। दूसरों को बचाने के लिए जग्गू ने इल्जाम अपने सिर लिया और जेल चला गया, पर अभी क्लाइमेक्स का टाइम हो गया है। अभी अपन सब लोग को मिलके हीरो को बचाने का है। प्रेम इज बैक। गौरी, अरे वाह, हाथ पीले करने से पहले कपड़े पीले कर लिए। कम। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? ये मेरे भाई हैं भाई, मुंबई का डॉन सुभाष। अगर मेरा भाई चाहता तो मुंबई की बड़ी से बड़े हीरोइन से लेकर मॉडल्स भी इससे शादी के लिए लाइन में लग जाती। उन्हें छोड़कर इसने किसे पसंद किया यही देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। शक्ति, गुड चॉइस, तेरे पसंद की दाद देता हूँ। थैंक्स भैया, इनका दिल बहुत बड़ा है इसलिए ना बड़े अच्छे लगते हैं। बेचारे तुम्हारे पापा यानी मेरे ससुर बेचारे को जेल हो गई। लाइफ के अकाउंट में सिर्फ इज्जत कमाई थी, वो भी बैंकक्रप्ट। जो लोग उनके जबरे फैन बनते थे आज वही लोग उनका नाम सुनते ही उन्हें बैन करने की बात करते हैं। और तुम्हारा पायरेटेड सुल्तान जग्गू बेचारा जेल में सड़ रहा है। बड़ा दुख हुआ। अगर मैं चाहूँ तो ये सब चुटकी बजाते सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे भाई से शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, अच्छे से सोचना। अगर हाँ बोलोगी तो तुम्हारा बाप और जग्गू दोनों ही जेल से छूट जाएंगे, जनता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और तुम्हारे बाप को उनकी खोई हुई इज्जत मिल जाएगी। हम इज्जतदार लोग हैं, अच्छी तरह सोच लो। चलता हूँ। शक्ति, गौरी डाली, भाई शादी के दिन कम है, थोड़ा वेट कम कर लेना। कोई भी ऑफिसर, मिनिस्टर, गवर्नर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। एक एडवोकेट तक ये केस ले नहीं रहा। यहाँ सिर्फ सुभाष ही भगवान और शैतान दोनों हैं। बहुत घमंड था इनके पावर पर है, देख लिया। अब जाओ पैर पड़ो, गिड़गिड़ाओ सुभाष के सामने। जग्गू को बचाने के लिए अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने रास्ता निकाल लिया। ए, निकल जाए यहाँ से। थोड़ी देर शांत रहोगी? हाँ बताओ गौरी, क्या सोचा है तुमने? कौन सा रास्ता? सुभाष। सुभाष? पर वो जग्गू की मदद क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई शक्ति से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मेरी मदद की कोशिश में आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। जब उस दिन
आपने मुझे बताया कि जग्गू एक डॉन है तो मुझे लगा कि मैंने प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया है। मैंने जग्गू को बहुत बुरा भला कहा, उसे झूठा और धोखेबाज भी कहा। लेकिन जब मेरे बाबा पर इल्जाम लगा और वो अरेस्ट हो गए और जब लोग उन्हें चीटर कहने लगे तो सिर्फ जग्गू ने ही मेरी मदद की। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे गलत समझ के। जग्गू का जयदेव होना जरूर एक झूठ था, लेकिन उसका प्यार बिल्कुल भी झूठा नहीं था। प्यार? मम्मी जी। घबराओ मत चंपा, जग्गू तुम्हारा ही है। अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ना मैं जग्गू की जिंदगी में आऊंगी ना जग्गू मेरी जिंदगी में। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसा कि आप चाहती थी, सिर्फ चंपा ही आपके घर की बहू बनेगी। जग्गू, ये तुम्हारी किस्मत नहीं थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो बेटा। दद्दू, इतना मायूस काय को हो रहा है तू? नहीं जग्गू, अगर मैंने एक संस्कारी लड़की से ही शादी करने की शर्त न रखी होती तो तुम इस मुसीबत में न फंसते और ना ही इस जेल में सड़ रहे होते। बेटा, अगर तुम बेंगलोर में होते तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाता, भले ही कितना भी बड़ा केस हो, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाती। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ रहा है। रो मत, उस एसीपी ने अपुन को डबल क्रॉस किया था और तेरा पोता पकड़ा गया। अपुन जिन लोगों की मदद करना चाहता था ना, तू देखना अपुन को वही छुड़ाएंगे। अरे भोसले, कल रात को क्या है? हाँ, बोल लस पढ़ना है मदर शरीर के लिए। अच्छा अच्छा सरे। ये बाइक के ऊपर सुसु करता। चल भोसले, ये उन्टा केला। आई कंट्रोल। लाइसेंस दाखो। आज करे लाइसेंस नहीं, आईडी नहीं, आधार कार्ड नहीं। आणि ही बाइक पर माझी नहीं। ए, गाडी तुझी नहीं, मग कोणाची? चोरीची। चोरीची आहे बोलतोय हा। क्या? ये सब क्या हो रहा है? शांत शांत रहो सब, निकालो जग्गू को, लॉकअप से निकालो। जग्गू देखो बेटे, तुमने इन लोगों से कुछ वादा किया था, जाओ जाके उसे पूरा करो। हाँ जग्गू, इधर हम संभाल लेंगे, तू जाके उदय का मैटर निपटा ले। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट को शिफ्ट करना है। सॉरी सर, एसीपी सर के ऑर्डर के बिना पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। तेरे को ड्रेस कोड नहीं समझता क्या? जाड़िया इस पे। क्यों हंस रहा है यार, वो इतनी सीरियस बात कर रहा है, पेशेंट को बचाना है कि नहीं? लेकिन एसीपी साहब का, उसको बात करने देना यार। मैं तो क्या क्या मैं लगा रखा है, उसे बात खत्म करने देना। लेकिन बोलने तो उसको बोलने देना यार, जब तक परमिशन नहीं मिले। क्या परमिशन? क्या परमिशन? परमिशन चाहिए और परमिशन चाहिए। नहीं ना भाई। और बे कमिश्नर साहब, हमें माफ कीजिए, जग्गू को जेल से निकालने के लिए हमने ऐसा किया था, ये बस गलतफहमी थी, उसने कुछ नहीं किया। आपकी बड़ी मेहरबानी हो। हाँ
सर, ये सारा झोल इसकी खोपड़ी की उपज है। अगर मैं इसे हॉस्पिटल से यहाँ नहीं लाता तो एसीपी राजशेखर इसे टपका चुका होता। व्हाट? एसीपी राजशेखर? ऑफिसर, यस सर, इसे गिरफ्तार कर लो। चल। गौरी की शादी शक्ति से करवाई जा रही है। तुम्हारे घर वाले भी शादी रुकवाने के लिए वहाँ गए हैं। किधर गए? सुभाष के बंगले पे। आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, गौरी से मेरी शादी है। या टिंकटका 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 ले 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 टिंकटका 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 ये ओ। आंख कान खुले रखना। ए बैंड वाले, इधर आओ इधर आओ। आते ही इसी के दर्शन होने थे, क्या करें। ए इनकमिंग बंद है क्या? पूरा गोबर गणेश, मगर मत से बच के इधर आओ मेरे पास। दोनों को मैंने कहीं देखा है? ऊपर करो, ऊपर करो। किसी की शादी में उसका जनाजा पीटते देखा होगा। गौरी मैडम की फिक्स की हुई शादी में हम ही बैंड बजाते हैं। सही जवाब, पुणे की शादी में देखा था। सब बैंड बजाना, पूरा मुंबई हिल जाए। ठीक है, बजाओ रिंकी। कोई मर गया क्या? मेरी शादी है यार, शादी वाला बैंड बजाओ। और कोई गाना बजाओ, हिट वाला, चलो जल्दी से। चार ही गाने आते हैं, खत्म हो जाएंगे। आपकी वर्माला के टाइम बजाएंगे। हेलो जग्गू, तू कहाँ पहुंचा? अपन बंगले के बाहर बैठा है, तू सिग्नल दे, मैं हीरो वाली एंट्री मारता हूँ। अभी नहीं, अभी एक्शन सीक्वेंस में टाइम है। वाह मेरी धन्नो आ गई। क्या हुआ? वो गधा है ना शक्ति, वो अब घोड़ी पे बैठने जा रहा है। गधे और घोड़ी को तेरे पास भेजने की जिम्मेदारी मेरी, घोड़ी पर बैठ के हीरो वाली एंट्री मारने की जिम्मेदारी तेरी, समझ गया ना? ओके। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। ए कैच, आई लव यू ब्रो। इसकी शादी नहीं बनवा। करण सिंह इधर, तुम लोग आ गए, इधर ला। ठीक है, ओ जा जा। गौरी मेरी जान, मैं उड़ के आ रहा हूँ। बचाई थी मेरी इज्जत, क्यों लुटा रही है? रुक जा, रुक जा। अरे कौन है इसे? ये गौरी मुझे भगा के ले जा रही है। अरे जल्दी कोई रुको, मेरा फूलों का शक्कर खराब हो रहा है। अरे सौतन, सौतन आ गया। अरे सौतन प्लीज मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। बचा रहा है या मार रहा है मुझे? हेलो, हाँ ए अंदर लेके जाओ। हाँ मंत्री जी, आ जाइए। आंटी आप? ये कौन? अरे आंटी मैं हूँ करण सिंह। अरे पहचाना ही नहीं। गौरी किधर है? मेकअप रूम में तैयार हो रही है। पुष्पा, चंपा, तुम गौरी के पास पहुँचो, मैं मंडप में जाता हूँ। ठीक है, आइए। वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली, सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं। माजी आप यहाँ? अपन अपनी बहू को घर ले जाने आई लिए। आपकी बहू? हमारे जग्गू के लिए तुम ही सही हो। चंपा, तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मम्मी जी चाहती थी कि मैं उनकी बहू बनूं, पर जग्गू उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। उसने प्यार किया तो तुमसे। अगर मेरी वजह से तुम्हारे और जग्गू के बीच में कोई गलतफहमी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। गौरी, अपुन ने तेरे को बहुत भला बुरा कहा। माँ के प्यार ने अपुन को अंधा कर दिया था, लेकिन तेरा बलिदान देखकर अपुन की आंखें खुल गई है बहू। अपुन को माफ कर दे। आंटी आप इस तरह मुझसे माफी मांगे मुझे शर्मिंदा कर रही है। नमस्तस्तु महामाया, श्री पीते श्रू पूजते। अबे नले घी का टाइम नहीं आया, चुपचाप बैठ जा। नमस्तस्ते महामाया, श्री पीते श्रू पूजते। गौरी, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी चलो।
आंटी लेकिन अब हम करेंगे क्या? घबराने का नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जग्गू कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगा। चल महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम। हाँ एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हाँ जल्दी कीजिए। हाँ 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 अब आप पहनाइए। अब ये मंगलसूत्र इनके गले में पहनाइए। हाँ संगीत शुरू कीजिए। विवाह संपन्न होते ही संगीत की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। ए सतन, शादी कैंसल। गौरी तेरा हीरो इधर है। मेरा सूट पहन के फ्री में दूल्हा बन गया, मेरे चूल्हे पर रोटी सेकेगा? वहां सतन तेरा दिमाग तो मारवाड़ियों जैसा निकला रे। इससे पहले तू कुछ और करे अभी शूट करता हूं। आप असली गोली मारूंगा। चल मार। जग्गू पहले मुझे मार। मुझे मार। मुझे मार। पहले मुझे मार। मुझे मार। अब तुमको मार। ये गन उड़ कैसे रही है? इस गन का वाईफाई ऑन है क्या? सब लोग हॉटस्पॉट बंद करो। कैसे रे? मैं फ्लाइंग जट बन गया। कितनी देर लगा रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए जाना है, जल्दी खाना खिलाओ। मरने के बाद शौक बदल दिए क्या? अब मैं टट्टा खा लेता जाएगी भैंस। Yeah,
काम तो हो लिया। वहीं रुक, क्या हुआ? ए, हजार की नोट मत देना, देखे फोटो के लिए पोज करना अभी जरा। नहीं नहीं, तेरे से पोज नहीं होने वाला। चल चल, मार खाते हुए सेल्फी। एक और। सेल्फी ले लेके कोई मारता है क्या? जगो, मैं पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, इसलिए स्पेशल परमिशन के साथ मैं सत्यनारायण को छुड़ाकर यहाँ ले आया हूँ। राजशेखर, तुम खाकी वर्दी पर एक दाग हो। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। बाबा। गौरी। बाबा, मैं ये शादी मैं सब कुछ जान चुका हूँ। जो कुछ होता है भले के लिए होता है। दुल्हन के रूप में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जयदेव, तुमने तो मुझे जेल से छुड़वाया है। अब मैं अपनी बेटी गौरी का हाथ तुम्हें देकर तुम्हें उम्र कैद देता हूँ। सजा सुंदर है। शादी करनी है कि नहीं? और कितने केले खाओ? दूल्हा दुल्हन की सुहागरात हुई नहीं, तू वहाँ बैठ के केले खा रहा है। चल मंत्र पढ़। अरे रे, पंडित की तो कोई इज्जत ही नहीं है। चलो सब लोग हाथ में चावल ले लो, आप मंगलसूत्र पकड़िए और जूनियर तुम थाली पकड़ो। अपने हाथ के चावल अगर समाप्त हो गए तो आप खाने के लिए चलो जाए। जग्गू मेरे पोते, अब जाकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। खुशी खुशी ये दुनिया छोड़कर जाऊंगा, लेकिन फिर से तुम्हारा ही बेटा बनकर इस धरती पर लौटूंगा। तुम्हें खूब तंग करूंगा। बस 9 महीने वेट कर।